सबके मजे लेते है ना माई घोष चल यस गाइस अ वो वेलकम एंड अ वेरी वेरी गुड इवनिंग क्या हालचाल है अरे क्या हालचाल है क्या हालचाल है खत्म हो गई एनर्जी आप लोगों की पूरे दिन में करें सो गाइस टुडे वी आर रिवाइजिंग अ टॉपिक

ठीक ना बात कॉम्पिटिशन पॉलिसी फॉरन ट्रेड पॉलिसी जैसे फिजिकल पॉलिसी बताता है कि कहां से गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करेगा और कहां पर गवर्नमेंट स्पेंड करेगा ठीक है ना बात सिमिलरली मॉनेटरी पॉलिसी क्या बताता है आरबीआई बनाएगा करेक्ट बात और मॉनेटरी पॉलिसी के तहत हम लोग क्या करते हैं कि पैसे का फ्लो कितना रहेगा इकोनॉमी में करेक्ट पैसे का फ्लो क्या रहेगा कौन से सेक्टर को फ्लो रहेगा और क्या रेट पर रहेगा दैट इज बेसिकली वॉट मॉनिटरी पॉलिसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी मतलब किसको लाइसेंस देना है किसको लाइसेंसिंग नहीं है कौन सी इंडस्ट्री यू नो एसएसआई काम चलाएगा लोकेशन क्या रहेगा नॉर्म्स क्या रहेंगे दैट इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी करेक्ट बात सिमिलरली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी फोकस इज ऑन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट वेरी क्लियर तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी फोकस इज ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट और ये पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करता है हम एक्ट नहीं पढ़ रहे हम पॉलिसी पढ़ रहे हैं करेक्ट बात तो गवर्नमेंट को ये पॉलिसी बनाने का राइट right, एक्ट ने दिया है ओके okay, तो गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने का राइट एक्ट ने दिया है द एक्ट नेम इज फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 ये एक्ट के तहत सेक्शन 5 में ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाने का पूरा अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्शन 5 के तहत ये पॉलिसी नोटिफाई किया है मैं रिपीट कर रहा हूं कौन से एक्ट के तहत ये पॉलिसी आया फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 इसके अंदर सेक्शन फाइव ने पावर किसको दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर डिसीजन लेने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है इज दट वेरी वेरी क्लियर गाइस करेक्ट बात और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने नोटिफाई किया है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 टू 2020 वेरी क्लियर गाइस जो फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड ऑनवर्ड्स है नया डेवलपमेंट बता रहा हूं मैं इसमें नई चीज मार्च तेवीस में इनका नया पॉलिसी है दो हजार तेवीस बड़ी आपको इफेक्टिव नहीं है समझे मेरी बात करेक्ट बात तो मार्च ट्वेंटी थ्री में नया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नोटिफाई हो चुका है सर फिर दो हजार बीस से दो हजार क्या चलेगा टू 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 क्या चलेगा इट वॉज अ पैंडमिक ईयर तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी में कोई भी बदलाव नहीं किया जो पुरानी पॉलिसी है वो कंटिन्यू हुई है और नई पॉलिसी अभी नोटिफाई हुआ है जो आपको एप्लीकेबल इस अटैम्प में नहीं है इज दैट वेरी वेरी क्लियर गाइस करेक्ट है बात तो बेसिकली एप्लीकेबिलिटी जो होती है ना अटैम्प से सिक्स मंथ्स पहले तक जो भी चेंजेस है जैसे दिसंबर का अटेम्प्ट है तो यू नो एक थर्टी फर्स्ट मे तक जो भी चेंजेस है वो दिसंबर अटेम्प्ट को एप्लीकेबल होता है जून अटैम्प के लिए जो थर्टी फर्स्ट डिसंबर तक जो चेंजेस है वो एप्लीकेबल होता है तो अभी वाले अटैम्प में ये पॉलिसी आपको फॉलो नहीं करनी है इज दैट न्यू वाली पॉलिसी फॉलो नहीं करनी है पुरानी पॉलिसी आपकी कंटिन्यू होने वाली है इज दैट वेरी वेरी क्लियर गाइस करेक्ट तो वापस से रिपीट करो कौन सा लॉ फॉरन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट कौन सा नंबर फाइव सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू नोटिफाई द पॉलिसी द पॉलिसी इज कॉल्ड एज फॉरन ट्रेड पॉलिसी टू थाउजेंड फिफ्टीन टू थाउजेंड ट्वेंटी और ये कब से इफेक्टिव है फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड फिफ्टीन मार्च ट्वेंटी होते ही पैंडमिक आया मार्च में तो हमने पॉलिसी कंटिन्यू किया और अभी तक कंटिन्यूड है अब अब जाकर एक अप्रैल तेवीस ऑनवर्ड से नई पॉलिसी इफेक्टिव हुई है बट वो आपका एप्लीकेबल एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेबल नहीं है वेरी क्लियर गाइस अब सबसे पहले एक बात याद रखना है। जितने भी लोग इंपोर्ट करेंगे जितने भी लोग इंपोर्ट करेंगे इम्पोर्ट कंट्री में गुड्स लेंगे तो देखो एक तो डोमेस्टिक कंपनीज गुड्स बना रहे और वो कानून के दायरे में बना रहे और बाहर वाले गुड्स बनाकर इंडिया में भेज रहे हम इंपोर्ट कर रहे हैं क्या डोमेस्टिक कंपनीज तो जो लॉ फॉलो कर रहा है क्या फॉरेन कंट्रीज या फॉरेन कंपनीज जो हमें गुड्स भेज रहे हैं वो गुड्स क्या उसे भी लोकल लॉ कंप्लाई करना पड़ेगा आंसर इज यस तो जितने भी गुड्स इंपोर्ट करेंगे जनरली उनको सारे लोकल लॉस कंप्लाई करने पड़ेंगे लेट लेटस्ट एक एग्जाम्पल लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में बोला जाता है कि आपने नेट वेट लिखना चाहिए आपने बेसिकली हर एडवर्टीजमेंट के अंदर आपको बेसिकली प्राइस लिखा है तो साथ में क्वांटिटी भी लिखनी पड़ेगी करेक्ट है तो अगर यही फॉरेन गुड्स इंडिया में आ रहे हैं तो इसको भी लीगल मेट्रोलॉजी है कंप्लाई करना पड़ेगा भले वो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हुआ है बट अगर कोई भी पॉलिसी के अंदर एग्जाम्पन दिया है तो बात अलग है बट जनरल रूल इज एवरी इंपोर्ट गुड्स मस्ट कंप्लाई विद दी लोकल लॉस रूल्स एंड रेगुलेशन वेरी वेरी क्लियर गाइस सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हाँ अगर आप गुड्स इम्पोर्ट करके एक्सपोर्ट गुड बनाकर एक्सपोर्ट करोगे तो उस केस में आपको लोकल लॉज कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है आप रॉ मटेरियल चाइना से लेकर ऑस्ट्रेलिया के लिए गुड्स बना रहे हो और ऑस्ट्रेलिया के नॉर्म्स अलग है तो उनके दायरे में बनाओगे आप करेक्ट बात तो इंडिया के लोकल लॉस कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है बट अगर वो गुड्स इंडिया में ही यूज हो रहे हैं तो उनको लोकल लॉस कंप्लाई करना पड़ेगा अनलेस अनलेसिल देर इज एन एग्जेपन आर यू अंडरस्टैंडिंग माइ पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट करेट सिमिलरली अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट मार्केट में गुड्स की पहचान कोडिफिकेशन सिस्टम से होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट मार्केट में गुड्स की पहचान कोडिफिकेशन सिस्टम से होता है क्योंकि मैंने आपको बोला था हर एक गुड्स का नाम अलग अलग रहता है लेट मी टेक अ एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको कॉमन एग्जाम्पल दिया था पानी पूरी वाला याद आ रहा आपको पानी पूरी वाटर बॉल्स गोलगप्पे एक ही प्रोडक्ट के इंडिया में ही दस नाम है इंटरनेशनल मार्केट पकड़ोगे तो कम से कम बीस तीस नाम होंगे करे तो सब अलग अलग नाम से पुकारेंगे अब बोलेंगे करेक्ट है तो इट विल क्रिएट तो अ कन्फ्यूजन तो क्योंकि कोई कंट्री में कुछ और नाम से बोला जा रहा है तो बेटर नंबरिंग सिस्टम हम यूज करेंगे क्योंकि टैक्स रेट पता करना है करेक्ट बात कौन से गुड्स अलाउड है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं अलाउड है तो सब अलग अलग नाम से कंफ्यूज करेंगे इसीलिए इंटरनेशनल मार्केट में हर गुड्स को कोडिफाई कोडिफिकेशन नंबरिंग सिस्टम दिया जाता है और इंडिया ने अपना कोडिफिकेशन सिस्टम क्रिएट किया है उसको हम बोलते हैं आई टी सी एच एस क्या बोलते हैं आई टी सी एच एस इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन हार्मोनाइज सिस्टम सब हार्मोनी पर आएंगे सब इक्वल लेवल पर आएंगे कोड डालते जैसे जीएसटी के अंदर भी ये चीज है जीएसटी के अंदर भी एच एस एन कोड होता है करेक्ट बात एच एस एन कोड तो ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट मार्केट में भी यहां पर आपको समझना है कि आई टी सी एच एस कोड सिस्टम है जो फॉलो किया जाता है दट इंडिया ने लगभग इंटरनेशनल सिस्टम से छ नंबर लिंक कर लिया आठ में से डिजिट इंटरनेशनली फॉलो हो रहा है मैंने आपको बोला था कि बैलेंस शीट भी आज इंटरनेशनल लेवल पे हम बनाने जा रहे हैं इंडिया करेक्ट बात तो बैलेंस शीट जब आप बनाते हो तो यहाँ की बैलेंस शीट यूके की बैलेंस शीट कंपेरेबल होना चाहिए तो हारमोनी पर आ जाएंगे सब लोग अगर बैलेंस शीट डायरेक्टली कम्पेरेबल है तो इट इज़ कॉल्ड एज हारमोनी वेरी क्लियर गाइस तो वैसे ही हर एक गुड्स की पहचान एक नंबर से होगी उस नंबरिंग सिस्टम को हम बोलेंगे आई टी सी एच एस और उसका फुल फॉर्म है इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन हारमोनाइज सिस्टम वैसे वर्ल्ड लेवल पर वर्ल्ड क्लासिफिकेशन भी क्रिएट हो चुका है इंटरनेशनल हारमोनी सिस्टम क्रिएट हो चुका है बट एग्जैक्टली पूरा सेम अलाइन होना अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वेरी क्लियर गाइस जैसे एग्जाम्पल है कि क्या इन डी एस और आई एफ आर एस में थोड़ा तो डिफरेंस रहेगा है ना क्योंकि अभी भी हम उस स्केल पे पहुंचे नहीं है या वो लोग हमारे स्केल पे पहुंचे नहीं है वॉट एवर में भी तो प्रैक्टिकली थोड़ा डिफरेंस है इसलिए हमने खुद का क्लासिफिकेशन सिस्टम क्रिएट कर दिया है वैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल हार्मोनाइज सिस्टम क्रिएट हो चुका है जो किसने क्रिएट किया है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन किसने क्रिएट किया है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन बट यहां पर इंडिया का क्लासिफिकेशन है आई टी सी एच एस इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन हार्मोनाइज्ड सिस्टम जो कितने डिजिट का नंबरिंग सिस्टम है एट डिजिट हाउ मेनी डिजिट एट डिजिट जिसमें से ऑलमोस्ट कितने डिजिट मैच हो रहे हैं सिक्स डिजिट इंटरनेशनल लेवल पे मैच हो रहे हैं एक टाइम आएगा जहाँ पर हम इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन इजीली एडॉप कर पाएंगे प्रैक्टिकली हम उस पर काम कर रहे हैं बट फिलहाल सिक्स डिजिट तो मैच हो ही रहे हैं और अब कोई भी ट्रेड पॉलिसी फॉरन ट्रेड पॉलिसी में गुड्स का नाम नहीं यूज़ करेंगे मैंने आपको बोला था स्कूल में आपका नाम नहीं यूज़ करते रोल नंबर से पहचान थी डायरेक्ट है नंबरिंग सिस्टम कंपनी को भी नंबरिंग दिया जा रहा है सी आई एन डायरेक्टर तक रतन टाटा को जीरो 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 वन एक डी आई एन नंबर दिया जा रहा है करेक्ट बात तो उनकी पहचान एक नंबरिंग सिस्टम से होती है तो गुड्स की पहचान भी नंबरिंग सिस्टम से होगी और जितनी भी पॉलिसीज और बेनिफिट्स हैं यहाँ पर पॉलिसी के अंदर नंबरिंग सिस्टम देकर नंबर के अगेंस्ट पॉलिसी ड्राफ्ट किया जाएगा तो गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लेकर आएगा वो नाम नहीं लेगा वो नंबरिंग सिस्टम से क्विफाई करेगा तो दिस वाज अबाउट आईटीसी एचएस तो पहला मुझे बताओ सबसे पहले कौन सा लॉ कौन सा लॉ के तहत फॉरेन ट्रेड पॉलिसी फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 कौन से सेक्शन के तहत सेक्शन नंबर फाइव विच इज बाय अलाउिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या नोटिफाई किया है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 टू 2020 कब से इफेक्टिव है फर्स्ट अप्रैल टू उसके बाद में क्या इंपोर्ट गुड्स को लोकल लॉ कंप्लाई करना है जनरली यस बट इफ देर इज एक्सेप्शन दे नीड नॉट कंप्लाई व्हाट एवर इम्पोर्ट गुड्स इफ एक्सपोर्टेड दे नीड नॉट कंप्लाई दी डोमेस्टिक लॉस रूल्स एंड रेगुलेशन उसके बाद में आई टी सी एच एस वॉट इज आई टी सी एच एस कोडिफिकेशन ऑफ इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज करेक्ट बात वर्ल्ड लेवल पर कौन सा सिस्टम है इंटरनेशनल हार्मोनाइज्ड सिस्टम किसने क्रिएट किया वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएट किया है उसके बाद आईटीसीएचएस कितने कोड है एट डिजिट जिसमें से कितने मैच हो रहे हैं सिक्स डिजिट वेरी क्लियर गाइस यहां पर अब जो भी लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इन्वॉल्व है उन्हें नंबर लेना पड़ेगा आई कौन सा नंबर लेना पड़ेगा आईईसी एक्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड वेरी वेरी क्लियर गैस तो आईईसी जो नंबर है ये एक्सपोर्टर इंपोर्टर को दिया जाएगा और वो जो गुड्स भेज रहा है या सर्विसेज भेज रहा है वो गुड्स की पहचान आई एच एस है और वो एक्सपोर्टर की पहचान इंपोर्टर की पहचान आईईसी है ये आई ई टेन डिजिट नंबर है ये अल्फा न्यूमरिक नंबर है ये लाइफ टाइम नंबर है ये डीजीएफटी देगा आपको डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड देगा आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो आप ए एन एफ टू ए फॉर्म भरोगे आयात निर्यात फॉर्म टू ए भरोगे वेरी क्लियर तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कितना डिजिट नंबर है टेन डिजिट कौन सा फॉर्म भरोगे ए एन एफ टू है ऑनलाइन और मैनुअली करेक्ट बात और किसके पास फाइल करोगे डी जी एफ टी के पास फाइल करोगे और आपको जो भी सर्टिफिकेट है वो मेल फॉर्म में सबमिट किया जाएगा कोई दिक्कत है आपको इसमें अरे यस और नो करे तो यहां पर आपको यह समझना है कि कोई भी सर्टिफिकेट जो है कंफर्मेशन जो है वो मेल फॉर्म में सबमिट किया जाएगा तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ आई टी सी एच एस कोड कोई दिक्कत करे गैस अब डॉक्यूमेंट्स क्या लगता है आईडी प्रूफ एड्रेस प्रूफ ऑथराइज सिग्नेटरी के पैन आधार ये तो लगने ही वाले हैं कुछ जगह पर आपको आई सी लेने की जरूरत नहीं है पर्सनल यूज रहेगा तो आपको आई सी लेने की कोई जरूरत नहीं है करेक्ट है अब मैं आलिया भट्ट शॉपिंग करने जाऊंगा अगर दुबई और मैं वहाँ से कुछ गुड्स लाऊंगा तो क्या मुझसे सरकार हमारे बीच में टांग डाल सकती है आई का बिल्कुल भी नहीं तो पर्सनल यूज़ के लिए आपको आई की कोई भी ज़रूरत नहीं है आज सरकार खुद एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रही है तो गवर्नमेंट ख़ुद को नंबर दे हे है मयूर अग्रवाल हे गवर्नमेंट ख़ुद को नंबर दे रही है वो कोई भी नंबरिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं है अगर छोटे मोटे कंसाइनमेंट है जो हमारे नेबरिंग कंट्री में जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा बहुत लोकल लेवल पर बाउंड्री लेवल पर बॉर्डर लेवल पर कहीं ना कहीं आपस में गुड्स एक्सचेंज होते हैं फॉर लाइव यू नो लिविंग परपस रहने के लिए बॉर्डर पर गुड्स एक्सचेंज थोड़े बहुत होते हैं रीजनेबली होते हैं करेक्ट बात इसीलिए वहाँ पर आईसी लेने की जरूरत नहीं है करेक्ट बात जैसे नेपाल म्यांमार बॉर्डर पर ट्वेंटी तक 25,000 तक का कंसाइनमेंट आपको आई सी लेने की जरूरत नहीं है नेपाल में दो अलग अलग एंट्री पॉइंट्स है वो अलग अलग एंट्री पॉइंट्स के हिसाब से अलग अलग लिमिट दी गई है करेक्ट बात स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वहां पे कितने लोग रहते हैं कितना गुड्स का मूवमेंट है एक पोर्ट पे 25,000 एक पोर्ट पे एक लाख तक है तो आई सी लेने की कोई जरूरत नहीं है वेरी वेरी क्लियर गाइस करेक्ट बात रिपीटिंग अगेन आई सी क्या 10 है टेन डिजिट कोड है करेक्ट बात कर डिजिट कोड है करेक्ट कौन से फॉर्म में अप्लाई करोगे ए एन एफ टू है मैनुअली और इलेक्ट्रॉनिकली करेक्ट किसके पास फाइल करोगे डी जी एफ टी कर बात हुई टी और आपको मेल पर कंफर्मेशन आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट पैन एड्रेस प्रूफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बैंक अकाउंट डिटेल्स जो ऑथराइज सिग्नेटरी उसका पैन और डीपीआई नंबर डी आई एन नंबर और उनका भी डिजिटल फोटोग्राफ आपको लगेगा वेरी क्लियर गाइस कहां पर आई सी लेने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज ठीक है नेपाल और भूटान बॉर्डर 25,000 नेपाल जिसमें चाइना 1 लाख नतुला पोर्ट अदर पोर्ट 25,000 एंड पर्सनल यूज आपको आईसी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बेसिक डॉक्यूमेंट्स क्या है इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स क्या है एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स क्या है अगर आप एक्सपो exp... देखो शिप से गुड्स भेज रहे हो एयरवे बिल सॉरी बिल ऑफ लैंडिंग और शिप एयरलाइन से भेज रहे हो एयरवे तो बिल शिपिंग से कौन सा आएगा बिल ऑफ लैडिंग और लीडिंग करेक्ट बात और अगर फ्लाइट से गुड्स भेज रहे हो तो दैट इज एयरवे बिल करेक्ट बात मैं रिपीट कर रहा हूँ शिप में गुड्स लोड किया तो कौन सा डॉक्यूमेंट बिल ऑफ लैडिंग और करेक्ट है बात तो एयरवे बिल करेक्ट है तो ये हो गया जो कंपनी यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसके बाद में जो सेलर है वो जो गुड्स बनाएगा करेक्ट है वो क्या बनेगा कमर्शियल इन्वायस कम पैकिंग लिस्ट और जो कस्टम डिपार्टमेंट है जो डॉक्यूमेंट देगा उसे बोलेंगे बिल ऑफ एक्सपोर्ट डो ट्रांसपोर्ट कंपनी सेलर और कस्टम डिपार्टमेंट तीन अलग अलग लोग इन्वॉल्व है करेक्ट है कौन से तीन अलग अलग लोग इन्वॉल्व है पहला आएगा दैट इज़ ट्रांसपोर्ट कंपनी जो क्या देगा बिल ऑफ लेडिंग और एयरवे बिल दूसरा जो भी सेलर है वो कौन सा देगा कमर्शियल इन्वाइस और पैकिंग लिस्ट उसके बाद एंड जो भी कस्टम डिपार्टमेंट है वो क्या देगा बिल ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर क्या रहेगा अगेन ट्रांसपोर्ट कंपनी क्या आएगा बताइए बिल ऑफ लाइडिंग एंड एयरवे बिल करेक्ट बात इंपोर्ट जब कर रहे हो इंपोर्ट जब कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट होगा या तो शिप या एयरलाइन पॉपुलर शिप से हो रहा है तो बिल ऑफ लेडिंग और यहां पर आएगा एयरवे आएगा तो दैट इज बेसिकली एयरवे आएगा तो एयरवे तो, बिल सर रेलवे से तो रेलवे रिसीट सर रेलवे होता है पहले इंडिया पाकिस्तान रेलवे में चलता था बैन किया अभी मुझे नहीं पता अभी शायद मैं अपडेटेड नहीं हूँ बट पहले इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे पाकिस्तान बॉर्डर से क्रॉस होते थे तो रेलवे रिसीट करेक्ट बात बट रेलवे इज नॉट सो पॉपुलर रेलवे का अपना लिमिटेशंस है जोग्रफिकल लिमिटेशंस है करेक्ट गाइस उसके बाद में कमर्शियल इन्वाइस कम पैकिंग लिस्ट एंड जो भी आपका कस्टम डिपार्टमेंट है वो आपको क्या देगा बिल ऑफ एंट्री क्या देगा बिल ऑफ एंट्री रिपीट अगेन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स कौन से कौन से डॉक्यूमेंट्स है पहला एक्सपोर्ट के अंदर कौन से आएंगे बिल ऑफ लेडिंग और एयरवे बिल ठीक है कमर्शियल इनवॉइस कम पैकिंग लिस्ट एंड शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करो तो क्या आएगा बिल ऑफ लेडिंग और एयरवे बिल कमर्शियल इनवॉइस कम पैकिंग लिस्ट एंड बिल ऑफ एंट्री वेरी क्लियर गैस ये हो गया डॉक्यूमेंट्स ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट्स करेक्ट बात अब इन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड हैंडल करने के लिए कमिटी बनाई है दैट कमिटी इज कॉल्ड है सी क्यू सी टी डी करेक्ट है सी क्यू सी टी डी कमिटी ऑफ क्वालिटी कंप्लेंट्स एंड ट्रेड डिस्प्यूट रिपीट करो सी क्यू सी टी डी वॉट इज सी क्यू सी टी डी कमिटी ऑफ क्वालिटी कंप्लेंट्स एंड ट्रेड डिस्प्यूट वेरी क्लियर गाइस ये कमिटी जो है वो ट्रेड डिस्प्यूट जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डिस्प्यूट है ये कोर्ट में ना जाए वो एक्सपोर्टर इंपोर्टर लेवल पर ही हैंडल करने की कोशिश करेगा जितने डिस्प्यूट्स कम हो गए इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो गवर्नमेंट ने एक अलग कमेटी बनाई है जो पूरा कंप्लेंट हैंडलिंग करेगा उस कमेटी का नाम है सी क्यू सी टी डी पहली बात कौन से कंप्लेंट हैंडलिंग करेगा कंप्लेंट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन बायर अबाउट द क्वालिटी फॉरेन बायर ने इंडिया से गुड्स खरीदे और उसको क्वालिटी को लेकर इशू आया करेक्ट बात बिलगेट्स ने इंडिया से लैपटॉप्स खरीदे मैन्युफैक्चर करके करेक्ट बात या प्रोसेसर खरीदे और वहां पर उनको कंप्लेंट इशू आया इतनी बड़ी कंपनी माल खरीद रही है और कल अगर कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो अपना काम है सॉल्व करना तो जो भी फॉरेन बायर है अगर वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है वो कंप्लेंट दे रहा है क्वालिटी को लेकर वो हैंडल किया जाएगा अच्छा इंडियन बायर को लूटा गया बाहर वाले ने इंडिया में गुड्स भेजा और वो क्वालिटी नहीं है या कुछ तो अनएथिकल प्रैक्टिस हुआ है पेमेंट वगैरह लेकर ये सारी कंप्लेंट सी क्यू सी टी डी का हैंडल करेगा रिपीट करो कौन सा कंप्लेंट कंप्लेंट नंबर वन कंप्लेंट रिसीव फ्रॉम फॉरेन बायर इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉरेन पुअर क्वालिटी गुड्स रीड करो वापस है Complaint received from foreign buyer in respect of poor quality products. Second, complaint of importer in respect of quality products. Or third is complaint of unethical commercial dealing. ये सारी कंप्लेन कौन हैंडल करेगा सी क्यू सी टी डी रिपीट करो कौन से कौन से कंप्लेंट कंप्लेंट रिसीव फ्रॉम फॉरेन बायर इन रिस्पेक्ट ऑफ पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स कंप्लेन ऑफ इंपोर्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स परचेज एंड थर्ड कंप्लेन्ट्स ऑफ अनैथिकल बिजनेस कमर्शियल डीलिंग करेक्ट बात ये जो है इसका मेन पर्पज़ है कि वो सारे कंप्लेंट्स एफेक्टिवली हैंडल करें और सारे कंप्लेंट्स को कहीं ना कहीं जितने कंप्लेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी हैंडल करें इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली करेक्ट बात और ये सी क्यू सी टी डी ट्वेंटी टू डी जी एफ टी ऑफिस में प्रेजेंट है पूरे इंडिया में थर्टी सिक्स डी जी एफ टी के ऑफिस है लगभग ट्वेंटी टू डी जी एफ टी ऑफिस में हमने इनका विंग बना के रखा है जो भी इंपोर्टर एक्सपोर्टर को, को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है इंडिया से गुड्स जा रहे हैं या इंडिया में गुड्स आ रहे हैं ये ट्रेड डिस्प्यूट ये झगड़ा कम होना चाहिए मैं तो बोल रहा हूँ अगला वर्ल्ड वॉर द मेन रीजन विल बी टू बी ग्रेट एट कंट्रीज सेवन कंट्रीज एंड सेकेंड बिग रीजन इज इंटरनेशनल ट्रेड आपस के ट्रेड में झगड़े होते हैं कि मुझसे ये नहीं खरीदा मुझसे क्रूड ऑयल नहीं खरीदा मुझसे वो नहीं खरीदा बहुत प्रेशर है चीज़ में और दैट तो विल बी द रीजन ऑफ वर्ल्ड वॉर आर यू अंडरस्टैंडिंग तो सोचो गवर्नमेंट लेवल पर इतना फाइट है वाई नॉट एट प्राइवेट लेवल तो प्राइवेट लेवल पे जितने भी लोग हैं वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं इनके डिस्प्यूट्स कम हो और इसके लिए 22 डीजीएफटी के ऑफिस में हमने विंग ओपन करके रखा है सर सी क्यू सी क्या करता है सबसे पहले वो हैंडल करता है सारे इन्वेस्टिगेशन ठीक है बात क्वालिटी रिलेटेड जितने भी इन्वेस्टिगेशन करना क्वालिटी चेक करना प्रोडक्ट टेस्टिंग करना करेक्ट बात फिर ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स पे इन्वेस्टिगेशन करना और रिड्रेसल रिजॉल्व करने की कोशिश करना एक्सपोर्टर इंपोर्टर फाइट कर रहा है तो इनके बीच का जो फाइट है ये रिजोल्व और रास्ता निकालने की कोशिश करना इसके बाद भी इसके बाद भी एक्सपोर्टर इंपोर्टर कंप्लेन कोर्ट में कर सकते हैं इसके बाद भी एक्सपोर्टर इंपोर्टर कंप्लेन कर सकते हैं बट हम लोग ट्राई करेंगे लाइक अ आर्बिट्रेटर इनके बीच के डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए Very, very so, रिपीट कर रहा हूँ सी क्यू सी टी डी मुझे बताओ सी क्यू सी टी डी कौन से कौन से कंप्लेट हैंडल कर रहा है पहला कंप्लेट है रिसीव फ्रॉम फॉरेन बायर इन रिस्पेक्ट ऑफ पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स कंप्लेन ऑफ इंपोर्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स परचेज एंड अदर कंप्लेन ऑफ अनाथिकल कमर्शियल डीलिंग करेक्ट बात ये क्यू बनाया गया टू डील इफेक्टिवली द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ट्रेड कंप्लेन्ट्स एंड इट इज बिंग एस्टैब्लिश एड ट्वेंटी टू डी जी एफ टी ऑफिस इसके बाद में इनका काम क्या है इंक्वायर एंड इन्वेस्टिगेट अबाउट द क्वालिटी इंक्वायर एंड इन्वेस्टिगेट अबाउट अदर ट्रेड रिलेटेड मैटर्स एंड प्रॉपरली एंड इफेक्टिवली सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिड्रेसल ऑफ द कंप्लेन्ट करना इनकी जिम्मेदारी बनती है इज दट वेरी वेरी क्लियर गाइज अरे ये सोरनो तो यहाँ से हम लोग इसका कॉम्पोजिशन भी पड़ेंगे सी क्यू में कौन कौन लोग प्रेजेंट है कितने लोग प्रेजेंट है करेक्ट है बात। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन करेक्ट है तो यहां पर देखो लेट अस कम टू दिस यस। तो सी क्यू सी टी डी यहां देखो सबसे पहले क्वालिटी कंप्लेन्ट्स क्वालिटी कंप्लेन्ट्स या देखो कंप्लेंट के टाइप कंप्लेंट रिसीव फ्रॉम फॉरेन बायर इन रिस्पेक्ट ऑफ पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स कंप्लेंट ऑफ इंपोर्टर रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी एंड अन कमर्शियल डीलिंग करेक्ट बात यह हो गया आपका सीक्यू सी टी डी उसके बाद में अगर आप देख रहे हो कि इसकी कॉम्पोजिशन देखो मैंने क्या बोला इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड एट ट्वेंटी टू रीजनल ऑफिस ऑफ डीजीएफ टी एंड इट इज बींग एस्टैब्लिश टू डी इफेक्टिवली विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कंप्लेन्ट्स करेक्ट बात फंक्शन क्या काम करते हैं सबसे पहले ये लोग इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी करते हैं उसके बाद दे ट्राई टू डू द रिड्रेसल एंड रिजॉल्व करेक्ट है यहाँ पर एन अदर ट्रेड रिलेटेड कंप्लेन की इंक्वायरी करना ये इनका काम बनता है इसके बाद भी यू आर फ्री टू परस्यू एनी लीगल कोर्स ऑफ एक्शन इसके बाद भी आपको सही नहीं लग रहा है तो आप कोर्ट के दरवाजे खुले हैं हम आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है हम सिर्फ डिस्प्यूट कम करने की कोशिश कर रहे हैं छोटे लेवल पर हैंडल हो गया तो बेटर कोर्ट का रास्ता हमेशा ओपन रहेगा कोई प्रॉब्लम है क्या आपको अरे या ना करेक्ट बात तो अब या देखो सबसे पहले इसका कॉम्पोजिशन डी एडिशनल एंड ज्वाइंट डी ठीक है बी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का रिप्रेजेंटेटिव ठीक है ना बात एगमार्क का रिप्रेजेंटेटिव बैंक का रेप्रेजेंटेटिव एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी का रिप्रेजेंटेटिव करेक्ट बात डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट करेक्ट बात डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ ठीक है ना बात उसके बाद एनी अदर पर्सन नॉमिनेटेड एंड एनी अदर एजेंसी पाँच छः नाम याद करेंगे पाँच छः नाम याद करेंगे ठीक है एडिशनल डी और जॉइंट डी करेक्ट बात बी का रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ये अलग अलग नहीं है आई एस आई बी आई एस एगमार्क इसके स्टैंडर्ड्स के ये होते हैं ब्रांच मैनेजर ऑफ कंसर्न बैंक करेक्ट बात पैसे को लेकर कोई डिस्प्यूट है तो बैंकर आएगा करेक्ट उसके बाद एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी क्वालिटी चेक करते हैं लोग उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट डेवलपमेंट कमिश्नर एंड एनी अदर पर्सन नॉमिनेटेड चार पांच याद कर सकते हैं आप करेक्ट बात बताओ पहला एडिशनल डी जॉइंट डीजीएफटी करेक्ट बात बीआईएस का रिप्रेजेंटेटिव एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का रिप्रेजेंटेटिव उसके बाद बैंक का रिप्रेजेंटेटिव एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी का रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का नॉमिनी डेवलपमेंट कमिश्नर का नॉमिनी एंड एनी अदर पर्सन नॉमिनेटेड ये सारे लोग इसको बना देंगे सी क्यू सी टेडेड वेरी वेरी क्लियर गाइस इसके बाद में क्या प्रोसीजर है ठीक है ना बात सारे प्रोसीजर कंप्लेंट करने का दिया गया है हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स उसमें आपको दिया नहीं गया, गया कंटेंट तो सारे कंप्लेंट कैसे करने हैं क्या फॉर्म भरना है क्या कितना टाइम लेन में सॉल्व होगा सारी बातें हमने एक अलग से हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर दिया है और वो क्या करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं वो लोग बोलेंगे प्रोडक्ट को ठीक करके तो टेक्निकल फेलियर है ठीक है ना तो वो उसको ठीक करने बोल सकते हैं इसके ऊपर वो ज़्यादा एक्शन नहीं ले सकते इज दैट वेरी वेरी क्लियर गाइस तो ये पूरा आपका सी क्यू खत्म होता है इसमें और एक चीज है क्या सी क्यू सी टी डी पेनोल्टी पनिशमेंट लगा सकता है आंसर इज यस क्या सी क्यू सी टी डी पेनोल्टी पनिशमेंट लगा सकता है आंसर इज यस सर कैसे सबसे पहले सेक्शन एट के तहत सेक्शन एट के तहत वो आई सी नंबर सस्पेंड करेंगे जिसके ऊपर कंप्लेन ज्यादा आ रही है तो वो लोग क्या करेंगे आई सी नंबर क्या करेंगे कैंसिल करेंगे उसके बाद नाइन टू के तहत डी जी एफ टी सी क्यू सी टी डी अंडर कम्स अंडर डी जी एफ टी ओनली सी क्यू सीटी डी सारी बातें किसको बताएगा डीजीएफटी तो क्या डीजीएफटी उनका आईसी नंबर कैंसिल करेगा यस yes. क्या उनके लाइसेंस को रिन्यू करने से रिफ्यूज करेगा यस नाइन फोर बोलता है कि डीजीएफ टी करेक्ट बात इनके कोई भी जो लाइसेंस है फाइनेंशियल लाइसेंस एंड अदर्स उसे भी कैंसिल कर सकता है एंड दे कैन चार्ज द फिजिकल पेनाल्टी कैंसिल द आईसी नंबर सस्पेंड द लाइसेंस कैंसल द लाइसेंस एंड बेसिकली चार्ज द पेनोल्टी ये पूरा अधिकार दिया है डी जी एफ टी को कि अगर कोई भी कंप्लेंट आ रही है एंड विच इज़ एफेक्टिंग इंडियाज नेम एक्सपोर्टर गड़बड़ कर रहा है तो हम ये कार्यवाही कर सकते हैं इस सेक्शन के अंदर कौन से कौन से सेक्शन में एट नाइन टू नाइन फोर इलेवन टू रिपीट करो एट नाइन टू नाइन फोर इलेवन टू एट के तहत क्या करेंगे आई सी नंबर कैंसर करेक्ट बात नाइन टू के तहत क्या करेंगे आपका लाइसेंस को रिन्यूअल करने से मना करेंगे नाइन फोर के तहत क्या करेंगे लाइसेंस ही कैंसिल कर देंगे एंड लेवन टू के तहत आप पर पेनल्टी चार्ज करेंगे ये सारे लीगल एक्शन फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के तहत डीजीएफटी एक्सपोर्टर पे ले सकता है ये सारे एक्शन डीजीएफटी एक्सपोर्टर पर ले सकता है वेरी वेरी क्लियर गाइस देखो लर्निंग पार्ट है मैं फास्ट बोल रहा हूँ मुझे मालूम है क्विक मैं जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी बातें फिर कवर हो जाएगी दैट्स मेन थिंग मैं आपको एक ब्रश अप करके दे रहा हूँ कि हमने जो पढ़ा है करेक्ट बात थोड़ा थोड़ा उसमें मैं बीच में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ हमने पढ़ी है बट मैं रिपीट कर रहा हूँ अब पूरा सी क्यू सी टी डी खत्म हो जाता है ठीक है ना बात ध्यान से सी क्यू सी टी डी पहला एक सेकेंड मॉड्यूल से चलते लाइन से सी क्यू सी टी डी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोमोट एक्सपोर्ट एंड मेंटेन रिलेशनशिप विद द फॉरन बायर्स एंड कंप्लेंट ट्रेड डिस्प्यूट हैंडल करना सिक्यू सी टी डी क्या क्या कंप्लेंट हैंडल करता है फॉरेन बायर ने क्वालिटी कंप्लेंट किया है इंडियन बायर ने क्वालिटी कंप्लेंट किया है एंड अदर अनएथिकल कमर्शियल डीलिंग्स ये सारी कंप्लेंट हैंडल करेंगे करेक्ट बात सर डी जी एफ टी क्या एक्शन लेगा एक्सपोर्टर पर पहला एक्शन सेक्शन नंबर एट आई सी नंबर कैंसल नाइन टू में लाइसेंस विल नॉट बी ठीक है ना 94 में लाइसेंस विल बी कैंसल एंड फिजिकल पेनल्टी कैन बी चार्ज बाय दी dgft वेरी क्लियर गैस इसके बाद ये कंप्लेट हैंडलिंग की कमिटी का नाम क्या है सी क्यू ये क्यों बनाया गया टू डील द ट्रेड डिस्प्यूट कंप्लेंट्स इफेक्टिवली टू डील विद दी इंक्रीजिंग कंप्लेन एफेक्टिवली तो हम लोग क्या करेंगे इस कंप्लेन हैंडलिंग की कमिटी अलग से बनाई है और ये 22 TGFT पर कॉन्स्टिट्यूट हुआ है सर इसका कॉम्पोजिशन रिपीट करो एडिशनल डीजीएफटी जॉइंट डीजीएफटी रिप्रेजेंटेटिव रेप्रेजेंटेटिव ऑफ बीआईएस रिप्रेजेंटेटिव रेप्रेजेंटेटिव ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी फूड खाने पीने की चीजें के लिए उसके बाद रेप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ठीक है नॉमिनी ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर नॉमिनी ऑफ Any other person nominated as the chairperson. Very clear, guys. Sir, what does he do? Inquiry, investigation, quality-related inquiry, investigation, then trade-related inquiry, investigation, and try to provide the redressal. Try to provide the redressal. Very clear, guys. Sir, can the parties legal action after this? The answer is yes. They can take, take the legal action also. वेरी क्लियर उसके बाद इसकी प्रोसीजर क्या है ये सारी बातें हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स में प्रोवाइड करी गई है और जनरली दे टेक करेक्टिव एक्शन जो भी एरर्स है प्रोडक्ट के अंदर वो रेक्टिफाई करने बोल सकते हैं ये पूरा सीटी डी है आ रहा है क्या आपको बताइए आ रहा है कि नहीं आ रहा है पक्का? पक्का? जम रहा है क्या जा रहा है क्योंकि मैं फास्ट बोड रहा हूं मतलब मुझे बहुत सारी बातें बतानी है जेनवली बताओ समझ में आ रहा है जिंदा हो लग तो नहीं रहे लग तो नहीं रहे जिंदा हो क्या नहीं हो अरे है कि नहीं है आमरस मिल जाएगा था आज ही मैंने मेरे पापा को बोला कि बढ़िया वाला आमरस कोई रहेगा जनवली हो सुबह ही मैंने बात किया था एंड मॉर्निंग व्हाट हैपेंस आई वेट गेट अप लिटिल अर्ली इन द मॉर्निंग लाइक सब लोग ही आप लोग लो भी है सिक्स थर्टी के आसपास आप तो मेरे से जल्दी उठते रहेंगे कि आपका लेक्चर जल्दी है तो सिक्स थर्टी क्लास में उठता हूँ तो मम्मी पापा के साथ मुझे एक घंटा टाइम मिलता है और रात को मैं ईरफ के साथ रहता हूँ करेक्ट बात खेलना मिलना मस्ती वगैरह तो सुबह ही मैंने उनको बोला था कि बैच एंड हो रही है मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि मैंने कमिट किया है तो मेरे लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के करेक्ट है थोड़ा सा कोई तो पकड़ लो अच्छा अचारी अच्छा, वगैरह जो बढ़िया बना के दे इतना घर पर थोड़ी ना बना सकते करेक्ट बात बनवा के लेना पड़ेगा तो दूसरा ऑप्शन मेरे पास सुजादा मस्तानी था ही बट मैं पहले आमरस मिला तो अच्छा करेक्ट बात तो वो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है ठीक ना भाई तो जितने बच्चे कम होते जाएंगे इतना अपना प्रमाण आमरस का बढ़ता रहेगा और मैं सिचुएशन देखूंगा जिस दिन बच्चे कम है तो अपन सबको बाकी लोग को ज्यादा मिलेगा ना जो प्रेजेंट है साठ लीटर मैंने बोल दिया है आप समझ समझे मेरे भाई साठ लीटर का पूरा आएगा उसमें वो मैंने बोल दिया है अब वो जितने बच्चे रहेंगे उस सबसे इनवर्स रिलेशनशिप लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट मोर द आमरस आर यू अंडरस्टैंडिंग वो प्राइस डिमांड जैसा है लेस द प्राइस मोर द डिमांड करेक्ट है तो वो हो चुका है ऑलरेडी करेक्ट है आप समझ रहे हो मेरी बात तो मैं वेट कर रहा हूं कि बस बच्चे एक एक विकेट गिरना चालू करें देखते एंड तक कौन टिकता है हाँ क्या 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 बोले तू जाके आ रहा है अच्छा ऐसे जाते क्या दूल्हे विले तब तो आमरस खिलाते क्या ऐसा मेरे को नहीं मिला मेरे ससुराल से हाँ ये गांव वगैरह जाएंगे तो फिर अपन दुल्हे विले जाएंगे अपने अपने घर दूल्हा दुल्हन अपने, अपने अपने घर जाएंगे तो फिर अपना करेक्ट है बात अपना आमरस का प्रमाण बढ़ेगा वेरी क्लियर गैस आमरस तो इधर है ना भाई आमरस तो इधर ही है करेक्ट है तो माई पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट हाँ अरे सच में मैंने एक मिनट आपको यकीन नहीं आएगा एक मिनट तू तो इधर है छोरी इधर है मेरे पापा ने क्या है उठ मेरे पापा का मैसेज आया हलवाई का नंबर उन्हें भेज दिया मेरे को क्या नहीं है अब उसमें वो हलवाई ने गड़बड़ कर दी तो मेरी कोई गलती नहीं है नहीं नहीं उसको घाई हो गई जाने की गांव जाने की घाई हो गई अच्छा बाउल लेने गए नहीं यार ये मेहनत है ना हम लोग जो सब कर रहे हैं आप मैं हम सब स्पेसिफिक आपके पेरेंट्स भी आ गए इसमें जिसमें आपका योगदान ज्यादा है वेरी ऑनेस्टली पेशेंटली बैठना ये एक ना एक दिन आपको लाइफ में कभी ना कभी तो काम आने वाला है ये मैं आपको सच बोल रहा हूँ इतना पेशेंटली uh, बैठना और यू ना इतना एनर्जी डालना मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ ये आपको ये मेहनत करने की आदत हो गई ना तो आपको बहुत मजा आएगा आगे एनीवेज चलो आगे बढ़ेंगे यस इज इट राइट क्या आई क्लियर हो गया है yes. क्या आपको आईसी क्लियर हो गया है yes. क्या लोकल लॉस को लेकर प्रोविजन क्लियर हो गया है yes. क्या लीगल फ्रेमवर्क ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्लियर हुआ है yes. क्या आपको कंप्लेन हैंडलिंग क्लियर हुआ है येस और नो अरे हा या ना करेक्ट yes. बात तो आप आगे बढ़ेंगे देर आर मेनी स्कीम्स विच वी वॉन्ट टू लर्न देर इज वन स्कीम दैट इज ई पी सी जी स्कीम there इज अनदर स्कीम दैट इज MIS and एस एंड or MEIS scheme स्कीम और scheme, स्कीम एंड एस स्कीम और एक स्कीम है ड्यूटी ड्रॉबैक एंड ड्यूटी एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम ऐसे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में बहुत सारे योजनाएं और बहुत सारे फायदे सरकारों ने एक्सपोर्टर के लिए दिए हैं और इंपोर्टर के लिए भी दिए हैं नहीं नहीं आमरस मिलेगा टिकट कैंसिल किया थाने का वाली बात है <laughs> चलो सबसे पहले स्कीम में आने से पहले गवर्नमेंट का एक दर्जा होता है गवर्नमेंट का एक स्टेटस का दर्जा होता है उसे बोलते हैं स्टेटस होल्डर एक्सपोर्टर क्या बोलते हैं स्टेटस होल्डर एक्सपोर्टर सर ये दर्जा क्या है ये लोग एक्सपोर्ट मार्केट के धुरंधर है ये एक्सपोर्ट मार्केट के एक्सिलेंट प्लेयर्स है और इंडिया से इनका एक्सपोर्ट करने का बहुत बड़ा योगदान है तो ये लोगों को एक कैटेगरी दी है एक दर्जा दिया है और वो दर्जे का नाम है स्टेटस होल्डर एक्सपोर्टर वेरी क्लियर सर ये दर्जा क्या पॉलिटिशियन अपने भाई बहन को देते हैं नहीं आपको एक्सपोर्ट करके प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा वो भी एक बार नहीं साल में तीन साल में कम से कम दो साल तो आपका एक्सपोर्ट दिखना चाहिए तो ये होता है आप स्टेटस होल्डर एक्सपोर्टर ये लाइक like रैंकर्स है ये कौन है अपनी भाषा में ऑल इंडिया रैंकर्स है जो ऑल इंडिया लेवल पर एक्सपोर्ट में रैंक लेकर आ गए और इसको नाम दिया है दैट इज स्टेटस होल्डर एक्सपोर्टर क्या ये छोटे मोटे प्लेयर है या बिजनेस लीडर्स है बिजनेस लीडर किस चीज के लीडर्स है एक्सपोर्ट के लीडर्स है क्या ये बड़े लोग ये सिर्फ एक्सपोर्ट पे भी ध्यान देते हैं या नए लोगों को भी गाइड करते हैं दे गाइड द न्यू प्लेयर ऑल्सो अमिताभ बच्चन के पास जाओगे कि सर हमें एक्टिंग इंडस्ट्री में आना है तो अमिताभ बच्चन एटीट्यूड दिखाएंगे समझाएंगे yes. क्योंकि वो ऑलरेडी लीडर है छोटे लोगों को ज्ञान देना और गाइड करना बहुत ही जरूरी है तो इनकी जिम्मेदारी सिर्फ एक्सपोर्ट करने तक नहीं है ये लोगों को नए लोगों को भी गाइड करना चाहिए और इनको ये दर्जा मिला है बेस्ड ऑन दी एक्सपोर्ट कितना एक्सपोर्ट किया है उस हिसाब से इनको ये स्टेटस मिला है दर्जा मिला है तो गाइस ये देखो हेडिंग क्या लिखा है दे आर द बिजनेस लीडर्स हु हैव एक्सेलड इन द इंटरनेशनल ट्रेड एंड दे कंट्रीब्यूटेड टू द कंट्रीज फॉरेन ट्रेड इनका फॉरेन ट्रेड में बहुत अच्छा योगदान है एंड दे प्रोवाइड गाइडेंस एंड हैंडहोल्डिंग टू द न्यू एंटरप्रेनर्स ये नए लोगों को गाइड करेंगे एंड इनके पास आई सी होना बहुत ही जरूरी तो ही जाकर हम इसको दर्जा देंगे एंड इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन दी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ये कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके बेसिस पर ये दर्जा आपको मिलेगा वेरी वेरी क्लियर गाइस मैं रिपीट कर रहा हूं बिजनेस लीडर्स करेक्ट एक्सेल्ड इन एक्सपोर्ट दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू दी एक्सपोर्ट they are also responsible to guide the new players and they also need to have IEC minimum तो ही ये दर्जा मिलेगा and they export performance के हिसाब से ये दर्जा दिया जाएगा sir इसमें भी leaders में भी अलग अलग rankers है one star two star three star four star five star सर थ्री मिलियन डॉलर तक एक्सपोर्ट किया तो वन स्टार ट्वेंटी फाइव मिलियन तक किया तो टू स्टार हंड्रेड मिलियन डॉलर्स तक किया तो थ्री स्टार टू फिफ्टी मिलियन सॉरी फाइव हंड्रेड मिलियन तक किया तो फोर स्टार एंड टू थाउजेंड मिलियन डॉलर्स तक किया तो फाइव स्टार वो भी ये जो वैल्यू है ये सीआई वैल्यू नहीं है एफ ओ बी फ्री ऑन बोर्ड सर एफ ओ बी मतलब शिप में लोड करने तक ट्रांसपोर्ट चार्ज इज एक्सक्लूडेड आप बोलोगे सर गुड्स प्लस ट्रांसपोर्ट इतना है नहीं ओनली गुड्स वैल्यू ओनली गुड्स वैल्यू इज कॉल्ड एज एफ वैल्यू एंड वी ओनली कंसिडर एफ वैल्यू फॉर दिस पर्पस आर यू गेटिंग माई पॉइंट करे तो मैं रिपीट कर रहा हूं क्या इसमें ट्रांसपोर्ट चार्ज एडेड है या नहीं है नहीं है ये सिर्फ वहां तक के चार्जेज है जो शिप तक लोड करने तक है इसके बाद का इंश्योरेंस रिस्क ट्रांसपोर्ट ये चार्जेस एडेड नहीं है अगर इतना एक्सपोर्ट करोगे तो आपको कैटेगरी दी जाएगी वेरी क्लियर गाइस इसमें एक्सपोर्ट वैल्यू इज कंसिडर्ड ऑन विच बेसिस एफ ओ बी बेसिस विच बेसिस एफ ओ बी सर वॉट इज एफ ओ बी फ्री ऑन बोर्ड वेरी क्लियर गाइस सर और एक बात सर दूसरे करेंसी में एक्सपोर्ट हुआ है डॉलर में एक्सपोर्ट नहीं हुआ है देर आर एट टेन करेंसीज जो वाइडली एक्सेप्टेड है दिरम है, पाउंड है सर पाउंड में एक्सपोर्ट हुआ है तो कन्वर्ट इन टू डॉलर सर क्या रेट पे कन्वर्ट करना है जो भी रेट सी बी आई सी और सी बी ई सी जो रेट नोटिफाई करेगा वो रेट पर आप कन्वर्ट करोगे सर वो भी फर्स्ट अप्रैल एवरी ईयर को फर्स्ट अप्रैल को जो भी रेट रहेगा वो रेट पर आप कन्वर्ट करोगे और मिनिमम तीन साल में दो साल तो आपका एक्सपोर्ट दिखना चाहिए ऐसा नहीं कि एक आधा कंसाइनमेंट मिला फिर तीन साल में एक्सपोर्ट ही नहीं किया तीन साल में दो साल मतलब कंसिस्टेंसी है ये दिखना चाहिए तब जाकर आपको स्टेटस होल्डर का दर्जा मिलेगा रिपीट करो कौन है ये लोग बिजनेस लीडर्स कंट्री के एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा योगदान है एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड गाइडेंस करेक्ट बात और इनके पास आईसी नंबर होना चाहिए एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर यह दर्जा दिया जाएगा करेक्ट बात कितना एक्सपोर्ट थ्री मिलियन ट्वेंटी फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड एंड टू थाउजेंड अकॉर्डिंग उसको कैटेगराइज किया गया है वेरी क्लियर गाइस ये भी वैल्यू कौन सी है एफ ओ बी वैल्यू और सर डॉलर में नहीं रहेगा तो कन्वर्ट इन टू डॉलर कौन से रेट पर जो भी रेट सी बी नोटिफाई करेगा कौन से डेट पर फर्स्ट अप्रैल एंड मिनिमम आउट ऑफ थ्री इयर्स टू इयर्स में आपका एक्सपोर्ट दिखना चाहिए सर और क्या कंडीशंस है व्हाट आर द अदर कंडीशंस सर मेरी दो कंपनीज है एक का ई नंबर अलग है एक का आई नंबर अलग है एक में फाइव मिलियन डॉलर हो गया एक में टू मिलियन डॉलर हो गया मैं यहाँ का परफॉर्मेंस वहाँ पर ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ अलाउड और नॉट अलाउड नॉट अलाउड ऐसे तो फ्रेंड्स आपस में मार्क्स ट्रांसफर करेंगे कि तेरे को दो मार्क्स कमाए मेरे को दो ज़्यादा है तू रख ले करेक्ट है सेट ऑफ़ कैरी फॉरवर्ड आपके आई टी आर में होता है आपस के आई टी आर में नहीं होता है दो आई टी आर में नहीं होता है आपस के पैन कार्ड में ही होता है समझे मेरी बात तो माय पॉइंट ऑफ व्यू इज़ दैट आपको ये समझना है कि यहाँ पर एक आईसी सी दूसरे आई को ट्रांसफर नहीं कर सकता है सर आपने एक्सपोर्ट करके रीएक्सपोर्ट किया है तो ये रिटर्न हो गया ये भी आपको कंसिडर नहीं करना है और स्कॉमिड गुड्स जिसके ऊपर थोड़े रिस्ट्रिक्शन होता है एक लिस्ट ऑफ गुड्स है जिसको नाम दिया है स्कॉमिड गुड्स ये गुड्स भी इस टर्न में कंसिडर किया जाएगा देखो एक बार आ रहा है क्या पल्ले में सार्थक एफओबी का फुल फॉर्म है फ्री ऑन बोर्ड हाँ सेल ऑफ गुड्स है हाँ. क्या क्या एफ आर इज फ्री ऑन रेलवे फ्री ऑन रेलवे शिप है तो फ्री ऑन बोर्ड अब तो एयरवे पूछेगा तो फ्री ऑन एयरवे हाँ नहीं बता रहा एफ ओ आर इज यहाँ पे लिखा था ना दैट इज फ्री ऑन रेलवे रेलवे से भी पहले गुड्स जाते थे बट रेलवे आजकल बहुत कम चलता है कुछ कंट्रीज चाइना ने तो वाया पाकिस्तान भी रेलवे टनल्स बना के रखते हैं लोग और अंडरग्राउंड एक्सपोर्ट करते हैं इसके ऊपर बहुत कॉन्ट्रावर्सी हुई है मालूम है आपको ये बात इंडिया के जो जो ये ना कश्मीर पी पीओके के ऑक्यूपाइड वाला जो है पीओके ओ वहाँ से उन्होंने टनल बनाया कि वहाँ से रोड यूज़ कर रहे थे एंड वहाँ से उनका बहुत कॉस्टिंग बच रहा था मतलब वो क्या पानी से ऐसे बहुत घूम के जाना था चाइना ने पाकिस्तान के एक कंसेंट्स है वह बनाना चालू किया था कुछ तो ऐसा बहुत बड़ी कॉन्ट्रवर्सी भी है तो लोग रेलवे से भी काम करते हैं बट दैट इज़ लिमिटेड आर यू गेटिंग दिस करेक्ट गाइज येस और नो चलो बताओ वॉट इज स्टेटस होल्डर बिजनेस लीडर्स ठीक है ना बात बिजनेस लीडर्स उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूटेड ग्रेटली करेक्ट बात ऑल्सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गाइडिंग द न्यू एंटरप्राइज उसके बाद आई सी नंबर इज मैंडेटरी एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर यह दर्जा मिलेगा थ्री ट्वेंटी फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड टू थाउजेंड वेरी क्लियर गाइस डबल यहाँ पर देखो क्या एफ ओ बी वैल्यू सी आई वैल्यू एफ ओ बी सर एफ ओ बी मतलब वैल्यू ऑफ गुड्स ट लोडिंग अप टू शिप सी आई एफ मतलब वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस ट्रांसपोर्ट प्लस इंश्योरेंस हमें ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस एड नहीं कर रहे हैं उसके बाद में सर अगर दूसरे करेंसी में एक्सपोर्ट हुआ है कन्वर्ट इन टू डॉलर सर क्या रेट पे डॉलर कन्वर्ट होगा जो भी रेट सी बी आई सी सी बी सी नोडिफाई करेगा फर्स्ट अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वो रेट पर आप कन्वर्ट करोगे सर उसके बाद मिनिमम तीन साल में दो साल में आपका एक्सपोर्ट चाहिए सर एक आईसी दूसरे आईसी को अपना टर्नओवर ट्रांसफर नहीं कर सकता है सर एक्सपोर्ट करके रीएक्सपोर्ट किया है ये कंसिडर नहीं किया जाएगा स्कॉमिड गुड्स जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो ये कंसिडर किया जाएगा इज एट वेरी क्लियर गाइस ऑल्सो ग्रांटिंग डबल वेटेज जो थोड़े कच्चे खिलाड़ी है बट अगर वो भागने की सोच रहे दौड़ने की सोच रहे थोड़ा पुश हम करना चाहते हैं जैसे एग्जाम्पल है कि अगर एमएसएमई है आज वो एक्सपोर्ट की सोच रहा है बहुत बड़ी बात है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज अगर एक्सपोर्ट करने की सोच रख रहा है तो बहुत अच्छी बात है अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट पहाड़ी इलाके से गुड्स मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करने का सोच रहा है तो बहुत बड़ी बात है करेक्ट बात जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी इतना ऑब्वियसली इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस बट वहाँ पे जोग्राफिकल चैलेंजेस है टेम्परेचर चैलेंजेस है दो दो तीन तीन महीने तो स्नोफॉल से तो पूरा बंद ही रहता है वहां पर एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है स्पेशल स्टेट्स तो इन लोगों को हम थोड़ा सा पुश करना चाहते हैं और इनको भी स्टेटस होल्डर में लाना चाहते हैं इट्स लाइक like आप कच्चे खिलाड़ी और आपको 59 मार्क्स मिले एग्जाम्पल और एक मार्क और मिल जाए तो आप एग्जाम मिल जाएगा तो इनको थोड़ा पुश करेंगे तो ये स्टेटस होल्डर बन जाएंगे ये क्या बन जाएंगे स्टेटस होल्डर और इसीलिए मेरी बात मानना इसीलिए यहां पर इनके लिए जितना भी टर्न है वो डबल माना जाएगा और एक ही बार ये चांस मिलेगा यू गेट दिस चांस ओनली वंस एक बार रैंक आने की खुशी रहती हो समझेगा अरे बात तो आपको हम थोड़ा ग्रेस मार्क्स देना चाहते हैं हम आपको थोड़ा ग्रेड बढ़ा के देना चाहते हैं क्योंकि आप अपने डिफिकल्ट सिचुएशन से आपने बहुत दुरंदर एक्सपोर्ट किया है तो किन लोगों को ये चीज़ मिलेगा जितने भी एम एस एम ई हैं इन लोगों को एक बार चांस मिलेगा जितना भी टर्नओवर एक्सपोर्ट में किया है वो डबल करके हम देखेंगे कौन से कैटेगरी में फिट होते हैं दूसरा जितने भी लोग इंटरनेशनल आई ये देख रहे आपको आई एस ओ गुड्स बना रहे हैं बी आई एस सर्टिफाइड गुड्स बना रहे हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के दायरे में गुड्स बनाने की ताकत रख रहे हैं इन लोगों को डबल काउंटिंग मिलेगा या जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं क्ट बात नॉर्थ एंड ईस्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है या जितने भी एग्री एक्सपोर्ट जोन के अंदर जो जितने भी कंपनीज है वो एक्सपोर्ट करने का सोच रहे इनको थोड़ा पुश करना चाहते हैं इनका टर्नओवर डबल कंसिडर करेंगे और फिर देखेंगे कि वेदर इट इज अ वन स्टार टू स्टार थ्री स्टार और एनी अदर थिंग वेरी क्लियर गाइस तो डबल वेटेज का बेनिफिट ग्रेस मार्क्स का बेनिफिट किस किस को मिलेगा जितने भी एम एस एम ई है अंडर एम एस एम ई डेवलपमेंट एक्ट टू थाउजेंड एंड सिक्स या जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं जो आई एस आई एस ओ या बी आई एस सर्टिफाइड गुड्स बना रहे जितने भी लोग नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में लोकेटेड है और वो एक्सपोर्ट करने का सोच रहे या जितने भी लोग कहाँ पर है, एग्री एक्सपोर्ट जोन में है वो एक्सपोर्ट करने का सोच रहे इन्हें डबल काउंटिंग करके हम अलाउ करेंगे लास्ट पार्ट आता है कि स्टेटस होल्डर को क्या फायदा है स्टेटस होल्डर को क्या बेनिफिट्स है रिपीटिंग अगेन करेक्ट समझ आ रहा है क्या आपको अरे आ रहा है क्या आर यू देर आर यू कनेक्टेड अरे जिंदा हो क्या yeah. अरे मजा yeah. मजामा तो नहीं है बट जिंदा हो क्या झेप रहा है राजसर की भाषा में कटप्पा yeah. जे, क्या क्या yeah. अच्छा टट्टा पर मैं ऐसा और टट्टा में मेरे को और कुछ ही सुनाई देता है एक सेकेंड तो अब माय पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट जो ये सबसे निखिल प्रोनाउंस करता है ना ध्यान देना तो अब मेरी मैंने कुछ नहीं बोला है ठीक है तो अब मेरी बात सुनो <laughs> तो अब मेरी बात सुनो समझो मेरी बात व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टेटस होल्डर एक्सपोर्टर कुछ लोग की बत्ती जली नहीं है अब ध्यान दो <laughs> चलो ध्यान दो कम ऑन तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टेटस होल्डर ये दर्जा लेने का क्या फायदा है सबसे पहले फायदा आपको एक्सपोर्ट सेल्फ डिक्लेयर करना है हम आके चेक नहीं करेंगे तुमने खुद ने मैंने आपको बोला इनकम टैक्स इनकम टैक्स का एग्जाम्पल दे के समझाया था इनकम टैक्स गवर्नमेंट आके इनकम वेरीफाई करता है फिर भरते आप या आप सेल्फ एसेस करते हो और जहां पर गवर्नमेंट को डाउट आता है वो करते स्क्रूटनी और एसेसमेंट क्या करते हैं स्क्रूटनी और तो एक्स बड़े एक्सपोर्टर है इनका कंटेनर रुकना नहीं चाहिए तो इसीलिए इनको सेल्फ डिक्लेरेशन ये खुद फॉर्म भरेंगे खुद सबमिट करेंगे हम चेक नहीं करेंगे ज़रूरत पड़ा तो चेक करेंगे सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पर ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि हम इनके कंटेनर को रोकना नहीं चाहते इनका कंसाइनमेंट का ट्रैफिक रहता है कंटेनर आता रहता है जाता रहता है इनको जितना रोकेंगे तो प्रॉब्लम आएगा तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पर एक्सपोर्ट करेंगे और बड़ी बड़ी कंपनी थी छोटी मोटी चोरी करने में इंटरेस्टेड नहीं है उनका ऑलरेडी इतना प्रॉफिट है तो वो लोग सेल्फ डिक्लेयर करें तो मतलब जेनवनली सही करेंगे क्योंकि अगर गलत करेंगे तो इनका इंटरनेशनल मार्केट में नाम खराब होगा कस्टम डिपार्टमेंट इन पर हमेशा फिर निगरानी रखेगा तो छोटी मोटी चोरी करके फायदा नहीं है ये ईमानदारी से सेल्फ डिक्लेयर करते भी है दूसरा इनपुट आउटपुट नॉर्म्स सब वॉट इज इनपुट आउटपुट नॉर्म्स रॉ मटीरियल कितना लगा और फिनिश गुड्स कितना बना इनपुट आउटपुट नॉर्म्स सर इनपुट आउटपुट नॉर्म्स इनपुट इज हाउ मच रॉ मटेरियल इज नीडेड एंड कितने रॉ मटेरियल में कितना फिनिश गुड्स बना सर ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कंपनी टू कंपनी अलग अलग होता है करेक्ट बात सर ये डिपेंड करता है कोई जगह पे थ्री के जी रॉ मटेरियल पे वन के जी फिनिश गुड्स है कोई जगह पे टू के जी रॉ मटेरियल पे फोर के जी फिनिश गुड्स है प्रोसेसिंग वैसा है तो सबका इनपुट आउटपुट नॉर्म्स अलग अलग है तो ये जितने भी स्टेटस होल्डर है इनके इनपुट आउटपुट नॉर्म्स हम प्रायरिटी पे फिक्स करेंगे किस पे फिक्स करेंगे प्रायोरिटी इन हाउ मेनी डेज सिक्सटी डेज सर ये क्यों फिक्स करते हैं टैक्स कैलकुलेशन अगर आपने रॉ मटेरियल इनपुट किया और फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट किया तो फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट किया तो इनपुट जितना भी रॉ मटेरियल है उस पर आपको हम टैक्स एग्जम्पन देंगे करेक्ट बात तो कितने यूनिट्स पर कितने रॉ मटेरियल पर टैक्स बेनिफिट देना है इसके लिए क्या लगेगा इनपुट आउटपुट नॉम वेरी क्लियर गाइस रिपीटिंग अगेन रॉ मटेरियल क्या किया आपने इंपोर्ट और वो यूज करके क्या बनाया फिनिश गुड्स फिनिश गुड्स क्या किया एक्सपोर्ट तो अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इंपोर्ट पर टैक्स बेनिफिट है आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इंपोर्ट पे टैक्स बेनिफिट है थैंक यू करेक्ट है तो यहां पर आपको यह समझना है कि अगर आपने एक्सपोर्ट किया है तो इंपोर्ट पे टैक्स बेनिफिट्स है तो इंपोर्ट कितना है ये कितना टैक्स बेनिफिट दे रहा है इसको हमें इनपुट आउटपुट नॉर्म लगेगा रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स करेक्ट बात तो ये कितने दिनों में फिक्स किया जाएगा सिक्सटी डेज उसके बाद बहुत सारे बैंक पेपर आपको एग्जाम है मेरे तो बैंक के कम से कम दस पेपर है तो दो तीन ही पेपर लगेंगे बहुत सारे बैंक पेपर्स आपको एग्जाम किया गया है फिर गवर्नमेंट योजना में कोई भी योजना आप लेते हो स्कीम लेते हो तो आपको बैंक गारंटी देनी पड़ती है क्या देनी पड़ती है कि देखो हमें स्कीम दो हम तुम्हें कमिट कर रहे एक्सपोर्ट करेंगे और नहीं करेंगे तो टैक्स भर देंगे करेक्ट बात तो गवर्नमेंट बोलता नहीं किया तो टैक्स भरेंगे नहीं भरेंगे बैंक गारंटी दो तो बहुत सारे स्कीम्स में बहुत सारे कंपनीज को बैंक गारंटी देनी पड़ती है करेक्ट बात तब गवर्नमेंट आपको स्कीम देता है बट ये बड़े लोग हैं ये धुरंधर है ये इनका नाम ही काफी है इनका दर्जा ही काफी है इनको बैंक गारंटी देने की जरूरत नहीं है फिर ये लोग इतना एक्सपोर्ट करते हैं इनको कस्टम एक्सपोर्ट वेयरहाउस वहीं बनाएंगे उनके पास के करेक्ट बात ये लोग अपने यहाँ पर वेयरहाउस बनाएंगे देखो सोचो रिलायंस ने गुड्स बनाए करेक्ट है उनके वेयरहाउस में रखा फिर कस्टम के वेरहाउस पे लेकर गए फिर शिप पे लेकर गए कितना डबल काम बढ़ रहा है तो रिलायंस जो वेयरहाउस बनाएगा वो कस्टम वेयरहाउस घोषित किया जाएगा कस्टम ऑफिसर उधर आके वेरीफाई करेगा तो डबल आपको वेयरहाउस पे शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है रिलायंस का प्राइवेट वेयरहाउस से गुड्स पहले कहा जाता था कस्टम वेयरहाउस फिर वहां पे चेकिंग होकर जाता था शिप पर करेक्ट बात तो ये डबल काम नहीं कर रहा है रिलायंस जो वेयरहाउस बनाएगा उसको ही हम कस्टम वेयरहाउस घोषित करेंगे और वहीं पर चेकिंग करेंगे तो डबल काउंटिंग डबल ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं है और इनके कंसाइनमेंट को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाएगा प्रायोरिटी वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाएगा जल्दी जल्दी उनके कंसाइनमेंट को हम क्लियर करेंगे तो देखो क्या क्या देखो सबसे पहले सबसे पहले एक्सपोर्ट कौन से बेसिस पे वेरीफाई होगा या सेल्फ डिक्लेरेशन इनपुट आउटपुट नॉर्म्स कितने में फिक्स होगा सिक्सटी डेज क्या बहुत सारे बैंक पेपर्स आपको है यस yes. क्या बैंक गारंटी एग्जाम है यस yes. क्या ये लोग जो वेयरहाउस बनाएंगे यही कस्टम वेयरहाउस माना जाएगा यस yes. आपको अलग से वेयरहाउस पे शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है और इनके कंसाइनमेंट को क्या मिलेगा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट क्या मिलेगा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इज दैट वेरी वेरी क्लियर गाइस रिपीट करो सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस फिक्सेशन ऑफ इनपुट आउटपुट नॉर्म्स ऑन विद इन सिक्सटी डेज एग्जम्पन फ्रॉम कंपल्सरी नेगोसिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट थ्रू बैंक एग्जन फ्रॉम फर्निशिंग द बैंक गारंटी टू स्टार एंड अबाव शल बी परमिटेड टू एस्टैब्लिश एक्सपोर्ट वेयर हाउस एज पर द गाइडलाइंस एंड दे आर कंसाइनमेंट विल भी हैंडल ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस पूरा स्टेटस होल्डर समझ लो आपको जो समझना है देख लो एक बार ये कंसेप्ट एक बार देख लो एक ही बार एफर्ट लो जो आप यहां पे रिवाइज कर रहे हैं बाद में डायरेक्टली आपको एक ही बार बाद में पढ़ना है जब आप मे मंथ में पढ़ोगे या जो भी आपका एग्जाम से पहले करेक्ट बात उसके बाद आपको नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी जो आप डबल द दा एफर्ट डाल रहे हो इससे ज्यादा आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है ये पूरा स्टेटस होल्डर मैंने पढ़ा दिया है कोई पॉइंट पे क्वेरी है क्या ऑनलाइन जनता यहां पे सामने जो बैठा है अरे जिंदा हो वो ऐसा बोलता है ना वॉचमैन होता है जागते रहो डंडा मार मार के मतलब पूछता रहता है बोलता है ना वो क्या अनाउंस करते हो बस तो मैं बीच बीच में हर कंसेप्ट के बीच में काम करता हूँ चाय पिला रहे थैंक यू दे 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 समाधान एनिवर्सरी जोरों में हो गया अरे नहीं उसका एनिवर्सरी था ना आप लोग बोले थे हाँ? बच्चे का बर्थडे नहीं होगा यार कुछ भी मेरे से बहुत छोटा है वो तो अभी तक तो टाइम है उसको अति घायित संगठत नहीं समाधान समाधान का नाम लेके अश्विन ने सेलिब्रेट किया है ये क्या लफड़ा है मेरे को नहीं पता सेलिब्रेट किसने किया बट समाधान का एनिवर्सरी था इतना मैं श्योर हूं ये क्लियर बात है सवाल एक्चुअल किस्सा क्या है क्या हुआ क्या क्या एक छोटा <चोड़ा> बच्चा था ट्रिप <laughs> पे हाँ अभी हाँ बेटे जो है तो तू रो रहा था मतलब वो बच्चा रो रहा था ओके भाई पक्का ना ऐसा कोई अनजान बच्चा तुझे के क्यों रोएगा हाँ अच्छा वो रो रहा था इसको देखो फिर <laughs> पक्की है नीधी तू ट्रिप ही बना रहा था ना क्या और कुछ बना रहा था भाई देखो चलो अरे मैं ब्रेक ले रहा हूं खुद के लिए चलो तो गाइस स्टेटस होल्डर स्टेटस होल्डर कोई दिक्कत है कौन कौन गाएगा कौन? सरुण। 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 गाना गाएगा गाना अरे yeah. most welcome. Yeah. कोई दिक्कत नहीं yeah. अच्छा third point. एक किसी बच्चे ने पूछा है बहुत सारे एक्सपोर्ट मार्केट में बैंक के बहुत सारे पेपर वर्क होता है एग्जाम्पल वहां पे दस डॉक्यूमेंट होंगे तो इनको सिर्फ तीन चार ही डॉक्यूमेंट फिल करने है तो इनके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में बेनिफिट है दैट इज एग्जेपन फ्रॉम कंपलसरी नेगोसिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट थ्रू बैंक्स मतलब बैंक्स के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इनको एक्सेंट है ये आपका थर्ड पॉइंट है इज एट वेरी वेरी क्लियर करेक्ट री रीएक्सपोर्ट बेसिस इज एक्सपोर्टिंग एंड टेकिंग बैक द गुड्स इज लाइक सेल एंड सेल बैक सेल रिटर्न तो सेल रिटर्न हो रहा है तो वो हम क्यों कंसिडर कर रहे अपने भेजा और गुड्स वापस आ गए शायद डिफेक्ट है शायद उनको नहीं चाहिए तो हम री एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करके वापस भेजा उन्हें उन्हें री एक्सपोर्ट कर दिया तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे टर्न में वेरी क्लियर पक्का स्टेटस होल्डर डन हो गया गाइस अब आप देखो आपकी मेहनत किधर किधर है मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहले मेहनत है आपका दैट इज बेसिकली एम स्कीम और एस स्कीम करेक्ट बात एम स्कीम और एस स्कीम -E फिर आपकी मेहनत है टूवर्ड्स ईपीसीजी स्कीम विम ईपीसीजी स्कीम फिर एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम एंड ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम ये पांच स्कीम है और फिर ईओयू यू ई बीटीबी टी पी एस टी पी बी और उसके बाद एक्सपोर्ट का क्या प्रोमो फीचर्स है और क्या उसके ऑब्जेक्टिव है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के ये पढ़ा तो आपका मेजर क्रक्स कंप्लीट हो जाता है एक एक स्कीम को अपन चलेंगे समझना मेरी बात सबसे पहले आपको मैं समझाने जा रहा हूं दैट इज ई पी सी जी स्कीम करेक्ट बात वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ ई पी सी जी स्कीम एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम मुझे बताओ एक्सपोर्ट को बढ़ावा करने के लिए कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने में हम हेल्प करना चाहते हैं अच्छी मशीनरी अच्छी टेक्नोलॉजी अच्छे टेक्निक्स अगर इंडिया में आएगा तो क्वालिटी गुड्स कम रेट पर बनेंगे और एक्सपोर्ट मार्केट में हम बहुत अच्छे से कॉम्पीट कर पाएंगे तो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाह रहा है और इसीलिए जितने भी लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो अगर मशीनरी इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो मशीनरी पर हम जीरो कस्टम ड्यूटी चार्ज करेंगे कितना चार्ज करेंगे जीरो कस्टम ड्यूटी मतलब विल नॉट टेक अ सिंगल रुपी ऑफ टैक्स बट गवर्नमेंट आपको स्कीम दे रही है गवर्नमेंट आपको बेनिफिट दे रहा है तो गवर्नमेंट आपसे कुछ उम्मीद चाहता भी है गवर्नमेंट आपसे कुछ उम्मीद रखता भी है वेरी क्लियर गाइस तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम के तहत आपको इंपोर्ट विच इंपोर्ट कैपिटल गुड्स कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट पर आपको जीरो कस्टम ड्यूटी पे करने बोला है प्रोवाइडेड आप एक्सपोर्ट कंप्लीट करें सर कितना एक्सपोर्ट वो एक कमिटमेंट है तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है सबसे पहले ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है द स्कीम इज फैसिलिटेट इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स कैपिटल गुड्स को हम लाना चाहते हैं इंडिया में इंपोर्ट करना अलाउ करना चाह रहे हैं और जिससे क्या होगा अच्छे मशीनरी आएगी तो यहां पर वी विल बी प्रोड्यूसिंग क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज और अगर क्वालिटी गुड्स सर्विसेज कम रेट पर बनेंगे क्या एक्सपोर्ट मार्केट में हमारा यू नो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बढ़ेगा तो ये स्कीम क्या चाहता है हेल्प इन द इंपोर्ट ऑफ द कैपिटल गुड्स विच विल हेल्प टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड विच विल इंक्रीज द इंडियाज एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बट ये स्कीम है न्यू गुड्स पर ही है ये स्कीम सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स पर नहीं है यू you नो know, आप सेकेंड हैंड मशीनरी लाओगे तो बेनिफिट मिलने वाला नहीं है सिर्फ न्यू मशीनरी पर ही आपको बेनिफिट मिलेगा और आपको इंपोर्ट पर जीरो टैक्सेस पे करना है जब मशीनरी आप इंडिया में लेकर आओगे तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है वो मशीनरी ला रहे हो उसका स्पेयर पार्ट्स ला रहे हो उसका कंप्यूटर सिस्टम ला रहे हो मशीनरी असेंबल करके ला रहे हो सेमी असेंबल करके ला रहे हो कैसा भी ला रहे हो हम आपको बेनिफिट देने वाले हैं वेरी क्लियर गाइस तो देखो क्या लिखा है पॉइंट वन इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एट जीरो कस्टम्स ड्यूटी जीरो कस्टम ड्यूटी आपको कोई भी टैक्स हम चार्ज नहीं करेंगे भले वो कैपिटल गुड्स कंप्लीटली नॉकडाउन डिसेंबल है या सेमी लॉकडाउन है थोड़ा असेंबल थोड़ा डिसेंबल है या उसका कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम लाया आपने या फिर आपने उसके स्पेयर पार्ट्स लाया सब पर आपको बेनिफिट मिलने वाला है बट आपको सेकेंड हैंड गुड्स के लिए स्कीम अवेलेबल नहीं है और बट आपसे कमिटमेंट लेंगे जितना भी टैक्स का पैसा बचाया उसका छः गुना आपको एक्सपोर्ट करना है विद इन सिक्स ईयर्स लेटेस्ट एक एग्जाम्पल आपने 50 करोड़ की मशीनरी इंपोर्ट करी टेन परसेंट कस्टम ड्यूटी है तो कितना टैक्स हुआ फाइव करोड़ फाइव करोड़ हम आपसे चार्ज नहीं करेंगे बट आपको फाइव करोड़ का सिक्स मतलब थर्टी करोड़ के गुड्स आपको एक्सपोर्ट करके देने विद इन सिक्स ये आपने कर दिया आपको एग्जेट नहीं तो आपकी बैंक गारंटी जब्त करी जाए इज दट वेरी वेरी क्लियर गाइस रिपीटिंग अगेन क्या स्कीम है ये ईपीसीजी स्कीम ईपीसीजी स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फैसिलिटेट द इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स जिससे क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगा और इंडिया का एक्सपोर्ट मार्केट और भी कॉम्पिटेटिव हो जाएगा करेक्ट बात सर ये स्कीम में क्या हो रहा है इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एट जीरो कस्टम ड्यूटी एंड वेदर द कैपिटल गुड्स आर कंप्लीटली नॉकडाउन डिसम्बल होकर आ गया क्योंकि ट्रांसपोर्ट में खराब हो सकता है करेक्ट बात आजकल फर्नीचर भी पूरा डिसम्बल हो आता है फिर जगह पर असम्बल करता है करेक्ट बात क्योंकि स्पेस भी जाता है फिर डैमेज होने के चांसेस है करेक्ट बात तो सारा डिसम्बल होकर आता है या इट इज सेमी नॉकडाउन करेक्ट बात या इट इज अ कंप्यूटर सिस्टम या इट इज अ स्पेयर पार्ट वॉट एवर में भी आपसे जीरो कस्टम ड्यूटी चार्ज किया जाएगा बट आपके सामने कमिटमेंट है कि जितना भी आपने कस्टम ड्यूटी बचाया उसका छः गुना एक्सपोर्ट आपको क्या करना पड़ेगा सिक्स ईयर्स में कंप्लाई करना पड़ेगा सेकेंड हैंड गुड्स पर यह बेनिफिट मिलने वाला नहीं है सर कुछ गुड्स पूरा मशीनरी बाहर से लिया और थोड़ा मशीनरी बाहर से लिया थोड़ा पार्ट्स इंडिया से लिया तो फिर टैक्स कैलकुलेट कैसे करेंगे देखो आपने एक करोड़ की मशीनरी बाहर से ली है एक करोड़ की मशीनरी इंडिया में बनवाकर दो करोड़ की मशीनरी इंस्टॉल करके मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कैपेसिटी तो दो करोड़ की है आर यू अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू या पूरी की पूरी मशीनरी बाहर से ली है करेक्ट है पूरी की पूरी मशीनरी बाहर से ली है तो उसके ऊपर जो एक्चुअल टैक्स बनता है वो तो हमें मालूम है बट थोड़ी मशीनरी बाहर से ली है थोड़ी मशीनरी इंडिया से ली है तो आपको थोड़ा टैक्स का रेट तो पता है बट इंडिया से जितना भी पार्ट लिया है वो उसके ऊपर अज्यूम वैल्यू उसके ऊपर अज्यूम टैक्स नोशनल वैल्यू वो कंसिडर करना है और फिर आपको एक्सपोर्ट करना है लेट मी टेक एग्जाम्पल सवोल एग्जाम्पल है कि आपने दो करोड़ की मशीनरी बाहर से ली जिसमें से डेढ़ करोड़ की मशीनरी पर टेन परसेंट है और फिफ्टी लाख के ऊपर ट्वेंटी परसेंट है करेक्ट बात तो डेढ़ करोड़ के ऊपर टेन परसेंट मतलब आपका हो गया पंद्रह लाख और फिफ्टी लाख के ऊपर ट्वेंटी परसेंट है वो हो, हो गया दस लाख तो आपका टैक्स कितना बच गया पच्चीस लाख तो एक्चुअल टैक्स सेव इज 25 lakh. 25 लाख लाख लैख टाइम्स आपको एक करोड़ पचास लाख का एक्सपोर्ट करना पड़ेगा सर हमने क्या किया हमने डेढ़ करोड़ की मशीनरी बाहर से ली और पचास लाख की मशीनरी इंडिया से ली और अभी वो मशीनरी हो गई सपोज एग्जाम्पल है दो करोड़ की तो उसकी वैल्यू उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी दो करोड़ की है तो आपको सेम कैलकुलेशन करना है डेढ़ करोड़ की मशीनरी बाहर से ली उसके ऊपर टैक्स कितना है टेन परसेंट तो पंद्रह लाख और पचास लाख की मशीनरी बाहर से नहीं ली है बट अगर हम बाहर से लेते तो कितना टैक्स लगता टेन परसेंट तो ट्वेंटी परसेंट पचास लाख के ऊपर ट्वेंटी परसेंट था ना करेक्ट बात सपोज ट्वेंटी परसेंट है तो पचास लाख के ऊपर ट्वेंटी परसेंट मतलब दस लाख तो दस लाख रुपए नोशनल टैक्स हो गया अज्यूम टैक्स हो गया तो आपको पंद्रह लाख और दस लाख पच्चीस लाख उसका छह गुना एक्सपोर्ट आपको इंटरनेशनल मार्केट में करना पड़ेगा तो यही चीज यहां पर लिखी हुई है सर नोशनल वैल्यू क्या होता है अज्यूम्ड वैल्यू नोशनल लॉस अकाउंट कवर्ड है नोशनल प्रॉफिट नोशनल शेयर सपोज सौ रुपए का है मैंने शेयर की वैल्यू नाइन्टी हो गई मैंने बेचा नहीं है तो मेरा लॉस कितना है टेन बट इट इज एक्चुअल लॉस और नोशनल लॉस अज्यूम्ड लॉस करेक्ट बात अरे हा या ना शेयर सौ रुपए का है आज मार्केट वैल्यू एक सौ बीस हो गया मैंने बेचा नहीं है मेरा ट्वेंटी रुपीज का प्रॉफिट हो गया यह एक्चुअल प्रॉफिट है या नोशनल प्रॉफिट है आर यू अंडरस्टैंडिंग इट बुक्स करेक्ट बात तो वही बात चल रही है जितना भी मटीरियल इंडिया से लोगे उसके ऊपर आपको नोशनल टैक्स नोशनल वैल्यू कैलकुलेट करके आपको एक्सपोर्ट का ऑब्लिगेशन पूरा करना पड़ेगा इज दैट वेरी वेरी क्लियर गाइस अरे हाई या ना करेक्ट बात तो देखो डायरेक्ट इंपोर्ट किया है डायरेक्ट पूरा मछिरी बाहर से आया एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन विद रेफरेंस टू एक्चुअल ड्यूटी सेव कितना रियल ड्यूटी आपने सेव किया है और अगर आपने डोमेस्टिक सोर्सिंग करी है तो नोशनल ड्यूटी जितना भी आपने डोमेस्टिक सोर्सिंग किया है उसके ऊपर कैलकुलेट करके आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा इज दैट वेरी वेरी क्लियर गाइस रिपीट करो ईपीसीजी स्कीम बोलो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फैसिलिटेट द इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स जिससे क्या होगा क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस और जिससे क्या होगा इंडिया का कॉम्पिटिटिव बढ़ेगा वेरी क्लियर ई पी सी जी स्कीम क्या बताइए इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एट जीरो कस्टम्स ड्यूटी वेरी क्लियर गाइस वेदर इट इज कंप्लीटली नॉकडाउन सेमी नॉकडाउन कंप्यूटर सिस्टम और स्पेयर पार्ट एक्सेट्रा बट आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है जितना भी टैक्स सेव किया है उसका सिक्स टाइम आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा सर सेकेंड हैंड गुड्स पर आपको स्कीम मिलने वाला वेरी क्लियर गाइस सर आपने पूरा गुड्स बाहर से लिया है तो एक्चुअल ड्यूटी सेव के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाए सर थोड़ा डोमेस्टिक सोर्सिंग की है तो नो, नोशनल वैल्यू कैलकुलेट करके आपको टैक्सेस कैलकुलेट करना पड़ेगा देखो एक बार ईपीसीजी स्कीम एक बार देखो और चीजें मैं ऐड करूंगा इसमें मैं ईपीसीजी एस एस करके फिर ब्रेक लेंगे अब तो एक अच्छा पोजिशन क्रिएट हो जाएगा अपना तो थोड़ा एफर्ट होगा इसमें मुझे मालूम है बट इस बारे आप है। बार आप एटलीस्ट जितना आपने पढ़ा है ठीक है ना बात हाँ डायरेक्ट इंपोर्ट मतलब पूरी मशीनरी बाहर से आई और सेकेंड जो पार्ट है मतलब थोड़ी मशीनरी बाहर से आई थोड़ी इंडिया से लिए नोशनल वैल्यू विद रेफरेंस टू नोशनल वैल्यू सेव्ड ऑन दी एफ तो एक्चुअल जितना टैक्स बनता है वो जो कैलकुलेशन बनेगा आपके पास डायरेक्ट आंकड़े कस्टम डिपार्टमेंट से आएंगे आपको टैक्स हम नहीं चार्ज करेंगे उसके हिसाब आपको, आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा साइल वेरी ट्रू शेयर्स बेचने के बाद में नोशनल वैल्यू कन्वर्ट इंड रियल वैल्यू अरे आ रहा है क्या पक्का सेकेंड हमने एक ईपीसीजी स्कीम में कुछ और बातें जो हमें कवर अप करनी है करेक्ट बात तो थो थोड़ा ईपीसीजी पर आएंगे एम ई पे आएंगे एस सी पे आएंगे करेक्ट बात तो ईपीसीजी को लेकर इन्होंने कुछ बातें बोली है अस सी दिस ये देखो ये देखना सबसे पहले ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स मतलब क्या जो भी ऐसी कंपनी जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बना रहा है उन लोगों को जितना भी एक्सपोर्ट बनता है उसका सिर्फ 75 परसेंट ही एक्सपोर्ट कर रहा है अगर कोई कंपनी मशीनरी इंपोर्ट कर रही है और वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रही है और वो एक्सपोर्ट कर रही है तो मशीनरी इंपोर्ट किया उन्होंने सुना मेरी बात मशीनरी इंपोर्ट किया सपोज दस करोड़ का उसके ऊपर टैक्स है टेन मतलब उन्हें टेन करोड़ है उन्होंने गवर्नमेंट को बोला हमें ईपीसीजी स्कीम चाहिए गवर्नमेंट ने एक करोड़ टैक्स नहीं लिया तो गवर्नमेंट ने बोला एक करोड़ का टैक्स इन टू सिक्स टाइम्स आपका कितना बन गया सिक्स करोड़ का एक्सपोर्ट आपको कंप्लीट करना है बट अगर सिक्स करोड़ का एक्सपोर्ट करना है सिक्स इयर्स के अंदर वो बोलेंगे गवर्नमेंट हम पूरे वर्ल्ड को हेल्प कर रहे हैं हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रहे हैं गवर्नमेंट बोलता तथास्तु ततास्तू सिक्स करोड़ का सेवेंटी फाइव परसेंट तुम्हें तो मैं साढ़े चार करोड़ ही एक्सपोर्ट करना है आपको छः करोड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है मैं रिपीट कर रहा हूँ मेरी कंपनी है जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रहा है करेक्ट है बात मेरी कंपनी ने मशीनरी इंपोर्ट किया दस करोड़ का गवर्नमेंट का टैक्स है टेन परसेंट कितना हो गया एक करोड़ तो गवर्नमेंट ने मुझे एक करोड़ लिया नहीं चार्ज नहीं किया बट गवर्नमेंट वो मैंने कमिटमेंट दी कि मैं सिक्स करोड़ का एक्सपोर्ट करूंगा छः गुना फिर गवर्नमेंट को मैंने बोला कि मैं एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रहा हूं तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रहा हूं तो गवर्नमेंट ने बोला सिक्स करोड़ का सेवेंटी फाइव परसेंट ही आपको एक्सपोर्ट करना है ट्वेंटी फाइव परसेंट हम आपको रिबेट दे रहे हैं तो जितने भी लोग ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बनाते हैं उन लोगों को नॉर्मली जितना भी एक्सपोर्ट का ड्यूटी है उसका सेवेंटी ही करना है सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट स्टेट जम्मू कश्मीर ये लोग मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं ये लोग क्या इंपोर्ट कर, 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 कर रहे हैं मशीनरी करेक्ट बात तो मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं तो आइडियलिस्टिकली इनको मशीनरी इंपोर्ट करने पर ये लोग तो बहुत बड़ा चैलेंज है इतनी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करेंगे मशीनरी लाएंगे तो अगर ये एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इन लोगों ने टारगेट का सिर्फ 25 परसेंट भी अचीव किया तो भी चल जाएगा हमें कोई दिक्कत नहीं है इज दैट वेरी वेरी क्लियर गाइस करेक्ट बात तो इन शॉर्ट अगर इन्हें दस करोड़ की मशीनरी लाई टेन टैक्स एक करोड़ हो गया एक करोड़ का छः गुना कितना होता है सिक्स करोड़ सिक्स करोड़ का ट्वेंटी फाइव परसेंट इज वन पॉइंट फाइव करोड़ ये वन पॉइंट फाइव करोड़ का एक्सपोर्ट करें तो भी चल जाएगा हम इनको रिबेट देंगे सेवेंटी फाइव परसेंट ऑब्लीगेशन नहीं किया तो भी चलेगा तो जितने भी ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं इनको कितना एक्सपोर्ट करना है बताइए 75 परसेंट और जितने भी लोग नॉर्थ ईस्ट स्टेट में बैठे हैं इनको कितना करना है 25 इसके बाद में बैंक गारंटी देनी पड़ती है जितना भी है पंद्रह टक्का बैंक गारंटी करेक्ट बात पंद्रह टक्का बैंक गारंटी देखो ईपीसीजी स्कीम लेने के लिए इन लोगों को एग्री यूनिट जोन को सिर्फ पंद्रह परसेंट बैंक गारंटी देनी है बाकी लोगों को पूरा एक करोड़ की बैंक गारंटी देनी है इनको सिर्फ पंद्रह लाख की बैंक गारंटी देनी है जितने भी कंपनीज एग्री जोन में है एग्रो जोन में है इन लोगों को बैंक गारंटी की अमाउंट थोड़ी कम दिया तो भी चल जाएगा इज दैट वेरी वेरी क्लियर गाइस और एक्सपोर्ट में सी आई वैल्यू आएगा कि एफ ओ बी वैल्यू आएगा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऐड करके एक्सपोर्ट देखेंगे या ट्रांसपोर्ट के अलावा एक्सपोर्ट देखेंगे ट्रांसपोर्ट के अलावा मतलब सब सिर्फ एफ ओ बी वैल्यू विच वैल्यू एफ ओ बी वैल्यू और एफ ओ आर वैल्यू यह पूरा आपका ई पी सी जी स्कीम खत्म हो जाता है मैं रिपीट कर रहा हूँ देखो आ, ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट कितना कमिटमेंट सेवेंटी फाइव परसेंट उसके बाद में नेक्स्ट अगर मैं बोल रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट स्टेट ट्वेंटी फाइव परसेंट ठीक है ना बात जितने भी लोग एग्रो जोन में है उनको कितनी बैंक गारंटी देनी है फिफ्टीन परसेंट और अगर आपने करेक्ट है जितना भी एक्सपोर्ट किया है उसकी कौन सी वैल्यू कंसिडर करेंगे सी आई एफ वैल्यू या एफ ओ बी वैल्यू एफ ओ बी वैल्यू तो ये होगा आपका ई पी सी जी स्कीम ये कौन सी स्कीम ई पी सी जी स्कीम कोई दिक्कत पक्का चलो अब फटाफट एम ई आई एस एस सी आई एस छोटा स्कीम है करेक्ट बात एम ई आई एस वॉट इज एम ई आई एस मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम सर एस सी आई स्कीम क्या है सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम करेक्ट बात एम आई एस स्कीम एंड एस आई एस स्कीम विच स्कीम एम ई आई एस एंड एस सी आई एस बताओ पेज नंबर बताओ जल्दी जल्दी ठीक है मैं मॉड्यूल से दे रहा हूं बाहर जनरल जनता जो है तूफानी है हाँ एम ई आई एस मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम एंड एस सी आई एस मतलब सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम सर ये जो स्कीम है ये इट्स लाइक यू नो क्या बोलते हैं आपने गूगल पे पे नहीं है कैशबैक तो स्क्रैच करके जो कैशबैक आता है ना गवर्नमेंट बोलता है कूपन लो गवर्नमेंट बोल रहा है कि तुमने जितना भी एक्सपोर्ट किया उसका एक टक्का कूपन दो टक्का कूपन गवर्नमेंट इज गिविंग यू रिवॉर्ड नॉट द कैशबैक गवर्नमेंट इज गिविंग यू रिवॉर्ड क्योंकि आप ये प्रोडक्ट्स सारे प्रोडक्ट्स पे नहीं है ये नोटिफाइड प्रोडक्ट्स पे है नोटिफाइड प्रोडक्ट पर जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा मेंशन करेगा और उसी प्रोडक्ट पर आपको क्या मिलेगा रिवॉर्ड अगर ये प्रोडक्ट आपने एक्सपोर्ट किया ये बेच के दिखाया तो हम तुम्हें मदद करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में इस प्रोडक्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है मार्केटिंग इश्यूज है इंफ्रास्ट्रक्चरल इनफिशंसीज है तो ये प्रोडक्ट बनाकर बेचना बहुत बड़ी बात हो गई हमारे लिए तो ये प्रोडक्ट बनाकर बेच ये मतलब नोटिफाइड बात ये प्रोडक्ट मतलब एग्जाम में ये प्रोडक्ट मत लिखना क्या लिखोगे नोटिफाइड प्रोडक्ट और सर्विस आपने बनाकर बेचा गवर्नमेंट आपका सत्कार करेगा गवर्नमेंट ताली बनाएगा और आपको कूपन हैंड ओवर करेगा और दैट इज लाइक अ रिवॉर्ड दैट इज लाइक अ रिवॉर्ड तो अगर गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है तो ये हो गया एम ई आई एस और सर्विस एक्सपोर्ट हो रहा है वो हो गया एस आई एस ये प्रोडक्ट पर आपको क्या बेनिफिट दिया जा रहा है वॉट रिवॉर्ड करेक्ट बात सम परसेंटेज रिवॉर्ड सर रिवॉर्ड सी आई एफ वैल्यू पे निकालेंगे या एफ ओ बी वैल्यू पे निकालेंगे एफ ओ बी फ्री ऑन बोर्ड वेरी क्लियर ट्रांसपोर्ट चार्ज पे क्यों रिवॉर्ड दे करेक्ट बात तो जो भी गुड्स की वैल्यू है उस पर ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा सर रिवॉर्ड कितना मिलेगा ये भी मैंशन इन द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी सर रिवॉर्ड मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट किस फॉर्म में मिलेगा ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट करेक्ट बात तो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट फॉर्म में आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा वेरी वेरी क्लियर गाइस। तो आपको ये ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट जब भी गवर्नमेंट को सर्विस टैक्स पे करना है कस्टम ड्यूटी पे करनी है आपको एक्साइज ड्यूटी पे करनी है या आपको गवर्नमेंट की कोई भी फ़ी देनी है तो ये कूपन हम आपके पेमेंट पर एडजस्ट करेंगे गवर्नमेंट आपको कैश नहीं देगा आपको स्क्रिप्ट देगा कूपन देगा और ये ड्यूटी क्रेडिट मतलब ड्यूटी जमा क्रेडिट स्क्रिप्ट वॉलेट की तरह होगा और आपके पेमेंट पर ये सारे कूपन एडजस्ट किए जाएंगे तो मुझे बताओ किस फॉर्म में रिवॉर्ड मिल रहा है ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट किसको मिल रहा है कौन सी स्कीम एम ई आई स्कीम एंड एस सी सर ये ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट कहां पर एडजस्ट होगा जब भी आप कस्टम ड्यूटी पे करोगे ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स जब भी आपको क्या पे करना है एक्साइज ड्यूटी जब भी आपको क्या पे करना है सर्विस टैक्स जीएसटी समझ लो एंड जब भी आपको क्या पे करना है कस्टम ड्यूटी एंड फी वहां पर ये एडजस्ट किया जाएगा वेरी वेरी क्लियर गाइस बट कुछ एम स्कीम .E के कुछ इन एलिजिबल कैटेगरीज है इस पर आपको कभी भी रिवॉर्ड मिलने वाला नहीं है ये लिस्ट है ये लिस्ट है सर्विस एक्सपोर्ट करोगे तो MIS में रिवॉर्ड मिलने वाला नहीं है सैंड एक्सपोर्ट करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलने वाला नहीं है डायमंड गोल्ड गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम इसके लिए स्कीम अलग से है इसलिए इसको एमएस की रिवॉर्ड मिलने वाला नहीं है शुगर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है इसको रिवॉर्ड मिलने वाला नहीं है और जो आयन और वगैरह होता है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस पर रिवॉर्ड मिलने वाला नहीं है क्रूड ऑयल पेट्रोल इंडिया में इंपोर्ट होके प्रोसेस होके जाता है इस पर रिवॉर्ड मिलने वाला नहीं है मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इस पर आपको रिवॉर्ड मिलने वाला नहीं है सात आठ इधर लर्न करेंगे सात आठ लर्न करेंगे इजीजी देखो पहले मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट खाने पीने की चीजें याद रहती है मीट एंड मीट प्रोडक्ट शुगर सीरियल्स चार खाने की चीज हो गई बताइए कौन से मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स शुगर सीरियल्स करेक्ट बात उसके बाद जो एसेंशियल कमोडिटी है क्रूड ऑयल एंड पेट्रोल करेक्ट बात सर्विस के लिए अलग से ऐसी आई स्कीम है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है डायमंड गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम वेरी क्लियर गाइस और जो ऑलरेडी शॉर्टेज पे है बीच सैंड एंड रेड सैंड ये इस पर आपको कोई भी स्कीम मिलने वाला नहीं है रैंडमली लर्न करो ये किस पर आपको एम नहीं मिलेगा सर्विस एक्सपोर्ट रेड सैंड बीच सैंड, डायमंड गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम, करेक्ट है ओर्स एंड कॉन्सेंट्रेट सीरियल्स ऑफ ऑल द टाइप्स शुगर ऑफ ऑल द टाइप्स क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट ऑफ मिल्क एंड मिलक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट ऑफ मीट एंड मीट प्रोडक्ट रिपीट करो सर्विस सर्विस एक्सपोर्ट नहीं सर्विस एक्सपोर्ट रेड सैंड बीच सैंड डायमंड गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम, ओर्स एंड और सीरियल्स ऑफ ऑल टाइप्स शुगर ऑफ ऑल टाइप्स क्रूड ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्ट ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट एक्सपोर्ट ऑफ मीट एंड मीट प्रोडक्ट इस पर आपको क्या नहीं मिलेगा एम ई आई ए स्कीम मतलब क्या नहीं मिलेगा रिवॉर्ड नहीं मिलेगा वापस से बोलो क्या क्या नहीं मिलेगा सॉरी uh, क्या, क्या क्या स्कीम पे क्या नहीं मिलेगा बताइए जल्दी से सर्विस एक्सपोर्ट रेड सैंड बीच सैंड डायमंड गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम एंड अदर कॉन्सेंट्रेट सीरियल्स ऑफ ऑल टाइप शुगर ऑफ ऑल टाइप क्रूड ऑयल पेट्रोल ऑयल एक्सपोर्ट ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट एक्सपोर्ट ऑफ मीट एंड मिल्क हाँ आ रहा है क्या yes. आ रहा है क्या yes. इसमें एक ऐड करे क्या

सर्वेश एक्सपोर्ट रेड सैंड बीच सैंड डायमंड गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम, अदर प्रेशियस मेटल ओर सैंड कॉन्सेंट्रेट सीरियल्स ऑफ ऑल टाइप शुगर ऑफ ऑल टाइप मीट एंड मीट, मां हो गया तो अब मेरी बात सुनो ये हो गया एमईआई स्कीम किस गुड्स पर अवेलेबल नहीं है अब सेम वे एस सी आई एस बट इससे पहले अगर आपने कुरियर या पोस्ट ऑफिस के थ्रू ई कॉमर्स वेबसाइट बनाकर आपने ये प्रोडक्ट छोटे छोटे पर, देखो कंटेनर से भेजना और एक एक पार्सल भेजने में बहुत फर्क है कंटेनर मतलब लगभग एक करोड़ पचास लाख के गुड्स आ रहे हैं और एक एक कुरियर भेज रहे हो आपने वेबसाइट बनाया अमेजन यूएस के अंदर लिस्ट किया आप, आपके प्रोडक्ट्स वहां से ऑर्डर आ रहे हैं आप भेज रहे हो शिपिंग के थ्रू तो ये एक एक कंसाइनमेंट भेज रहे हो तो इस पर भी हम आपको एम स्कीम देने को रेडी है क्योंकि ये प्रोडक्ट आप बेच रहे हो देखो कंटेनर इज बी टू बी एंड ई कॉमर्स मतलब बी टू सी करेक्ट बात तो आपने डायरेक्ट सेलिंग भी किया और इंडिया से गुड्स ई e कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू बेचा जा रहा है तो भी हम आपको एम ई आई स्कीम अवेलेबल कराना चाहते हैं वेरी वेरी क्लियर गाइस बट उस केस में आपका कंसाइनमेंट का वैल्यू पर कंसाइनमेंट शुड नॉट बी मोर देन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड और अगर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड के ऊपर है तो इसका मतलब है हम रिवॉर्ड कैलकुलेट करेंगे सिर्फ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड वेरी क्लियर दूसरा आपने जो भी कंसाइनमेंट भेजना है ये दिल्ली मुंबई चेन्नई के फॉरेन पोस्ट ऑफिस से भेजना है तो वहां पे अकाउंटिंग होगी या आपने क्लियर कट है आपने एयरपोर्ट के थ्रू भी भेजा तो दिल्ली मुंबई चेन्नई के पोर्ट से भेजा एयरपोर्ट से भेजा तो भी हम कंसिडर करेंगे बट आपको इसका एम स्कीम मिलेगा वट आर द कंडीशन इट शुड बी सेंड थ्रू मैनुअली थ्रू पोस्ट और थ्रू एयरपोर्ट मैनुअली थ्रू फॉरन पोस्ट ऑफिस वेदर दिल्ली मुंबई चेन्नई और एयरपोर्ट एट दिल्ली मुंबई चेन्नई इसका विंग अलग से इसकी कंसाइनमेंट की वैल्यू शुड भी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एंड इफ इट इज मोर देन ट्वेंटी फाइव थाउजेंडन कैलकुलेशन कैन बी मेड कैलकुलेशन विल बी मेड ऑन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ओनली इज दैट वेरी वेरी क्लियर अरे हाई या न अब आते कौन सा स्कीम एसी आई एस एस सी आई स्कीम है एक दो चीज मैं ऐड करूँगा करेक्ट बात एस स्कीम के लिए आपको पहले मिनिमम ट्वेंट फिफ्टीन थाउजेंड डॉलर का एक्सपोर्ट करके दिखाना है और सोल प्रोपराइटर है तो टेन थाउजेंड डॉलर का एक्सपोर्ट करोगे तो आप एसीआई स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे मिनिमम कितना होना चाहिए फिफ्टीन थाउजेंड डॉलर एंड सोल प्रोपराइटर को कितना है टेन थाउजेंड डॉलर वेरी क्लियर कौन सी चीजें एसीआई स्कीम में कवर्ड नहीं है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स क्यों क्योंकि दैट इज कवर्ड इन एम ई आई एस टेलीकॉम सेक्टर ये ऑलरेडी बेस आता है फिर अगर मैं बात करूं एयरलाइन शिपिंग कंपनीज ये लोग सर्विस दे रहे हैं तो ये भी एस सी स्कीम में आने वाले नहीं है फिर हेल्थ इंस्टीट्यूशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या जितने भी लोग एस सी जेड ईओ यूसटी पी एस टीपी बी टी पी यहां पर लोकेटेड है इनके लिए ऑलरेडी अलग से स्कीम है इन लोग को एस सी आई स्कीम हम अलाव नहीं करेंगे इज दैट वेरी वेरी क्लियर गाइस तो इसके साथ आपका एम ई आई एस खत्म एस सी आस खत्म ई खत्म कौन सा सी क्यू सी टी डी ख़त्म और क्या स्टेटस होल्डर खत्म करेक्ट है बात और क्या प्रिविलेज ऑफ स्टेटस होल्डर ख़त्म अब आपका क्या बचता है मालूम है आपका बचता है ई ओ यू ई एस टी पी एस टी पी बी टी में उसके बाद में एक बचता है ड्यूटी रेमिशन स्कीम और ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम और एक बचता है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपोर्ट और व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज्जतदारी में पढ़ लोगे तो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए तो अपन एक ब्रेक लेंगे पंद्रह मिनट सिक्स फोर्टी फाइव पे आएंगे आई होप आप जिंदा हो ठीक है ना बात और आप विजिलेंट हो तो सिक्स फोर्टी फाइव पर हम फिर मिलेंगे थैंक यू बाय बाय कोई प्रॉब्लम अरे बिंदास करो बस दैट इज इंपॉर्टेंट नहीं मैं बी चले यस गाइस थोड़ा सा रिज्यूम कर लेते हैं ओके okay. चलेगा ध्यान दे से प्लीज प्लीज लेट अस रिज्यूम बैक ओके सो गाइस नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी स्मॉल स्कीम अब अलग अलग स्कीम्स पढ़ रहे हम एम ई आई स्कीम एस आई स्कीम ईपीसीजी स्कीम स्कीम फॉर जेम्स एंड ज्वेलरी करेक्ट बात स्कीम फॉर जेम्स एंड ज्वेलरी करेक्ट ऐसे अलग अलग स्कीम्स पर हम ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम करेक्ट हम अलग अलग स्कीम्स के बारे में डिस्कशंस कर रहे हैं सबसे पहले अभी एक छोटी स्कीम है स्पेसिफिकली द स्कीम इज फॉर जेम्स एंड ज्वेलरी करेक्ट बात जो इंडिया इज अ वेरी गुड कंट्री फॉर गुड आर्टिस्टिक वर्क इंडिया में बहुत सारे लोग गोल्ड बेचते हैं और डायमंड प्लेटिनम बेचते हैं उसके ऊपर वो अपने हिसाब से डिजाइनिंग कराते हैं इंडिया से काफ़ी लोग स्टोन्स खरीदते हैं वैल्यूएबल स्टोन्स इंडिया से बहुत सारे आर्टिस्टिक वर्क खरीदते हैं इंडिया एव वेरी गुड बैकग्राउंड ऑफ आर्टिस्टिक वर्क करे गाइस इंडिया की ज्वेलरी जेम्स लोग पूरे वर्ल्ड में दे प्रेफर इट आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस करे तो बहुत सारे लोग इंडिया में प्रोसेसिंग के लिए गोल्ड भेजते हैं और उससे बहुत बढ़िया ज्वेलरी हम क्रिएट करते हैं तो ये जो है इम्पोर्ट हो गया गोल्ड और प्रोसेसिंग करके एक्सपोर्ट किया है तो जो भी इंपोर्ट है उस पर हम टैक्सेस लेने वाले नहीं हैं जो भी इंपोर्ट है इस पर हम टैक्सेस कलेक्ट नहीं करेंगे और इसलिए हमने एक स्कीम लाया है दैट स्कीम इज कॉल्ड एज बेसिकली एम टॉकिंग अबाउट द स्कीम दैट इज स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स ऑन जेम्स एंड ज्वेलरी ये स्कीम क्या है यू कैन इंपोर्ट ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स फॉर मेकिंग द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट आप जितना भी गोल्ड रॉ गोल्ड करेक्ट है प्लेटिनम करेक्ट है या सिमिलरली सिल्वर आप इंडिया में इंपोर्ट करोगे उसको प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करेंगे तो गाइस आप जो भी इंपोर्ट कर रहे हो इट इज ड्यूटी फ्री हम इस पर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे इज दैट वेरी वेरी क्लियर गाइस करेक्ट बात तो व्हाट इज द स्कीम रीड करो एक्सपोर्ट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी कैन इंपोर्ट और प्रोक्योर ड्यूटी फ्री इनपुट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट वेरी क्लियर गई रिपीटिंग अगेन जो भी जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो अगर इनपुट करते हैं इंपोर्ट करते हैं प्रोक्योर करते हैं वो जीरो टैक्सेस पे प्रोक्योर कर सकते हैं क्योंकि वो इंपोर्ट जो कर रहे हैं वो बेसिकली एक्सपोर्ट के लिए यूज किया जाएगा जैसे एग्जाम्पल है कि पुणे में ज्वेलरी में रानका ज्वेलर्स अब रानका ज्वेलर्स जो है ठीक है ना बात इनके पास बहुत सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स होंगे वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स रांका ज्वेलर्स से इंडिया की ज्वेलरी बनाकर वहाँ बेचते रहेंगे जो भी करते रहेंगे तो उन्होंने रांका ज्वेलर्स को गोल्ड भेजा और बोला ऐसा कम से कम तीन सौ डिज़ाइंस के हमें चेन और ब्रेसलेट बना के दीजिए कल रांका ज्वेलर्स ने गोल्ड लाया इम्पोर्ट किया उसे प्रोसेस करके तीन सौ अलग अलग डिजाइंस के चेन और ब्रेसलेट बनाकर एक्सपोर्ट किया तो रांका ज्वेलर्स को जितना भी गोल्ड इंपोर्ट किया है उस पर टैक्स पे करने की कोई जरूरत नहीं है अब वो भले गोल्ड ज्वेलरी बना रहे करेक्ट बात या मिनिमम एट कैरेट बनना चाहिए प्योरिटी बेस मैंने आपको बोला था 24 कैरेट 22 कैरेट 18 कैरेट तो कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए कि वन कैरेट का गोल्ड है बाकी कुछ कुछ तो बनाकर इमिटेशन ज्वेलरी बना रहे हैं आता ना वन ग्राम गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी यू तो वो उसके लिए नहीं है एटलीस्ट एट कैरेट प्योरिटी के साथ अपने गोल्ड बनाना चाहिए सिमिलरली सिल्वर आप बना रहे हो मिनिमम उसमें फिफ्टी परसेंट सिल्वर कंपोनेंट प्रेजेंट रहना चाहिए लोग अलग अलग सिल्वर के यूटेंसिल्स बनाते हैं यू नो आइडल बनाते हैं बहुत सारे चीज़ें बनाते हैं वो मिक्सचर होता है सिल्वर प्लस अदर मटीरियल तब जाके मोल्डिंग होता है करेगा बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वन सिल्वर है नाइन्टी और कुछ है स्टील है और आप बोल रहे बेनिफिट दो करेक्ट बात वो नहीं चलेगा मिनिमम 50 परसेंट सिल्वर शुड बी प्रेजेंट और प्लैटिनम है तो मिनिमम 50 परसेंट मस्ट बी प्रेजेंट तब जाकर ये स्कीम के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो वेरी वेरी क्लियर गाइस अरे अरे या ना करेक्ट तो ये जो स्कीम है दी स्कीम्स आर एज फॉलोस इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एडवांस प्रोक्योरमेंट इट कैन बी रेप्लेसमेंट इट कैन बी रेप्लेसमेंट and it can be advance authorization matlab मतलब, re replacement authorization of gems replacement authorization of consumables and author advance authorization for precious metal and etc etc to ye itna important nahi hai ya dekho but inhone kya bola ki aap jab koi bhi gold wagar la rahe ho aur aap trading kar rahe ho wo nahi chalega आपने gold लाकर इंडिया में बहुत सारे workers को काम दिया उन्होंने उस artistic work वर्क किया वैल्यूएडेशन और फिर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो हम आपको बेनिफिट देंगे आपने इंपोर्ट करके कुछ भी नहीं किया और सिर्फ एक्सपोर्ट किया ट्रेडिंग तो ट्रेडिंग करोगे तो ये स्कीम का बेनिफिट मिलने वाला नहीं है बट अगर आप इंपोर्ट करके उस पर वैल्यू एडिशन करोगे कुछ काम करोगे और फिर एक्सपोर्ट करेंगे तो हम आपको इसको वैल्यूएशन में और स्कीम में कंसिडर करेंगे वेरी क्लियर गाइज और इन्होंने ये वैल्यू एडिशन के लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया है ए माइनस बी अपॉन बी इन हंड्रेड सर ए माइनस बी इंटू बी इंटू हंड्रेड मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था अगर रामलाल की सैलरी दस लाख है और रामलाल की सैलरी बारह लाख हो जाती है तो रामलाल की सैलरी कितनी परसेंट इंक्रीमेंट हुई ट्वेंटी परसेंट यह आपने कैसे निकाला बारह लाख माइनस दस लाख अपॉन दस लाख इंटू हंड्रेड वेल इंक्रीमेंट कितना हुआ दो लाख अपॉन कितना दस लाख इंटू हंड्रेड तो ये हो गया ट्वेंटी परसेंट करेक्ट बात तो आपने जो गुड्स लाया वो है बी वो आपने जो गुड्स लाए उसकी वैल्यू दस लाख की गुड्स लाए और आपने एक्सपोर्ट किया बारह लाख का तो आपने वैल्यू एडिशन कितना किया दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी परसेंट तो यही फॉर्मूला है ए माइनस बी अपन बी इन टू हंड्रेड जिसमें बी इज वैल्यू ऑफ इनपुट्स एंड ए इज एफ ओ बी वैल्यू ऑफ द गुड्स एक्सपोर्टेड करेक्ट बात तो आप जब इंपोर्ट करोगे तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एड करके कॉस्ट ऑफ लैंडिंग देखोगे और एक्सपोर्ट करोगे तो हमारे लिए ट्रांसपोर्ट कॉस सेकेंडरी से करेक्ट बात तो एक्सपोर्ट में हम लोग सिर्फ क्या देखेंगे एफ वैल्यू गवर्नमेंट का बेंच मार्क है एक्सपोर्ट में हर चीज किससे कोरिलेट हुआ है एफ वैल्यू फ्री ऑन बोर्ड फ्री ऑन रेलवे वेरी वेरी क्लियर गैस तो आपको यह समझना है एक तरीके से मिनिमम वैल्यू एडिशन आपको करना पड़ेगा सर कितना मिनिमम वैल्यू एडिशन है वो स्कीम के अंदर मैंशनड है आपको उसमें डिफाइंड नहीं है वेरी क्लियर गैस एंड यहां पर डी एफ आई ए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन ये स्कीम के लिए अवेलेबल नहीं है सर सिर्फ एडवांस ऑथराइजेशन अवेलेबल है सर डबल ए और डीएफआई क्या हम पढ़ने वाले हैं डबल ए एडवांस ऑथराइजेशन और डीएफआई ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन ये हम पढ़ने वाले हैं गोल जेम्स ज्वेलरी के लिए डीएफआई अवेलेबल नॉट अवेलेबल नॉट अवेलेबल ओनली वॉट इज अवेलेबल डबल ए एडवांस ऑथराइजेशन वेरी वेरी क्लियर गाइस तो मैं रिपीट कर रहा हूं देखो ये स्कीम कौन सा था स्कीम्स फॉर एक्सपोर्टर ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी मुझे बताओ क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम जेम्स एंड ज्वेलरी तो क्या इंपोर्ट पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा नहीं लगेगा करेक्ट बात जीरो कस्टम ड्यूटी हम उनको वही बेनिफिट देना चाहते हैं करेट बात बट गोल्ड रहेगा तो मिनिमम गोल्ड कितना रहना चाहिए एट कैरेट सिल्वर कितना रहना फिफ्टी परसेंट प्लेटिनम कितना रहना चाहिए फिफ्टी परसेंट और क्या उसके लिए डी एफ आई अवेलेबल है नहीं है सर डी एफ आई क्या होता है अगला वही टॉपिक है पढ़ने वाले हम सर डबल ये अवेलेबल है सर डबल ए क्या होता है वो भी पढ़ने वाले हैं करेक्ट बात तो मिनिमम आपको कुछ वैल्यू एडिशन करके देना पड़ेगा वैल्यू एडिशन निकालने के लिए फॉर्मूला है ए माइनस बी अपॉन बी इंटू हंड्रेड वेरी वेरी क्लियर गाइस करेक्ट बात तो ये हो गया स्कीम फॉर जेम्स एंड ज्वेलरी एक आधा क्वेश्चन आ गया ना नहीं आ पा रहा लिख सकते ना कुछ ना कुछ हम दो तीन चार लाइन तो लिख पाएंगे क्या इतनी हालत खराब है कि कुछ ही नहीं लिख सकते है? कुछ तो लिख सकते ना ठीक है कुछ दो लाइन याद रहेंगे तीन लाइन याद रहेंगे बट कुछ तो लिख कर आओगे एग्जाम में करेक्ट बात ये मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हंड्रेड परसेंट बट कहीं तो आप लैंड हो ये इंपॉर्टेंट है करेक्ट गैस तो ये हो गया स्कीम फॉर जेम्स एंड ज्वेलरी अब जब भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो एक्सपोर्ट के अपने नियम है एक्सपोर्ट के अपने व, व, उसूल वसूल जो भी आप वर्ड यूज़ करते हैं क्या बोलते हो उसूल है धंधे का अपना उसूल होता है सब बोलते हैं ना तो एक्सपोर्ट के अपने उसूल होते हैं करेक्ट बात प्रिंसिपल्स क्या इंग्लिश वर्ड है प्रिंसिपल तो जो भी एक्सपोर्ट बिजनेस में है या इंपोर्ट बिजनेस में है इसमें गवर्नमेंट के कुछ गाइडलाइंस है कुछ प्रिंसिपल्स है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा कोई भी चीज़ पब्लिक मॉरल के अगेंस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज़ जो एनिमल लाइफ प्लांट लाइफ और ह्यूमन लाइफ को खतरा है वो चीज़ बीमारी हो सकती है प्रोडक्ट हो सकता है जिससे पूरा प्लांट लाइफ खत्म हो सकता है वो आपने एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना नहीं है कोई भी चीज किसी का ट्रेडमार्क इन्फ्रिज करके करेक्ट बात आपने पुमा का डुप्लीकेट शूज बनवाकर पुमा का नाम लेकर आपने इम्पोर्ट किया है तो देखिये बात ओबामा नहीं पुमा पमा पी ओ एम ए आता है पी एम ए पुमा, 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 पुमा पु जो भी वर्ड है सॉरी फॉर दैट तो माई व्यू इज दैट आपको ये समझना है कि वो इन्फ्रिज करके ट्रेडमार्क इन्फ्रिज करके आपने कोई भी गुड्स लाना नहीं है कोई भी प्रिजन लेबर कैदी, करेक्ट बात प्रिवेंशन ऑफ द यूज ऑफ द प्रिजन लेबर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बिजनेस में आपने यूज करना नहीं चाहिए कोई भी चीज़ जो नेशनल ट्रेजर है जो हमारी निशानी है और हमारा सिंबल है उसको कोई भी आपने प्रोटेक्ट करना है उसको हर्ट नहीं करना है और उसके खिलाफ आपने कुछ भी नहीं तो ताजमहल बनाया आड़ा तेड़ा बना के भेज दिया करेट बात जिससे कहीं ना कहीं आपने उसके मतलब बदनामी करी है समथिंग दैट वी आउट वो नहीं करना है अच्छा नेचुरल रिसोर्सेज ऑलरेडी कम है करेक्ट बात तो उसको कंजर्व करना है जितना एक्सपोर्ट कम करो जितना अच्छा रहेगा एंड ऐसी भी कोई भी चीज़ आम सेमिनेशन और कोई भी चीज़ आप ट्रैफिकिंग कर रहे हो गन्स ठीक है एनी ऑफ द यू नो जितने भी डिफेंस की चीज़ है आप उसको इलीगली खरीद रहे बेच रहे हो वो चीज़ होनी नहीं चाहिए तो हर एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस के कुछ अपने प्रिंसिपल्स है क्या प्रिंसिपल्स है प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक मॉरल वैल्यूज करेक्ट बात थर्ड इज प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ एनिमल लाइफ प्लांट लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपी राइट उसके बाद में प्रिवेंशन ऑफ द यूज ऑफ द प्रिजन लेबर प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल ट्रेजर conservation of exhaustible natural resources and prevention of trafficking in arms ammunition and implement of war repeat karuchala protection of public morals protection of human life animal life plant life or health protection of patent trademark copyright and prevention of deceptive practices and wrong practices, prevention of the use of prison labor, protection of national treasure of artistic, historic, and archaeological values, conservation of exhaustive natural resources, protection of trade of fish, fish, material which is derived, and prevention of traffic in arms, ammunition, and defense. Repeat, repeat, repeat. Kuro. repeat. Kuro, protection of morals protection of human animal or plant life protection of patent trademark copyright and prevention of deceptive practices practices prevention of use of prison labor protection of national treasure of artistic historic and archaeological values conservation of exhaustible natural resources protection of trade of fishable materials or material from which they are derived and prevention of traffic in arms ammunition and defense और इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया करेक्ट बात आर द प्रिंसिपल्स इन द फॉरन ट्रेड पॉलिसी वेरी वेरी क्लियर तो हमने आते साथ पहले हमने देखा वॉट आर द प्रिंसिपल्स करेक्ट बात ऑल्सो हमने क्या देखा दैट इज स्कीम फॉर जेम्स एंड ज्वेलरी स्कीम फॉर जेम्स एंड ज्वेलरी अभी हमारे दैट इज ड्यूटी रेमिशन स्कीम एंड ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम क्या पढ़ने जा रहे हैं ड्यूटी रेमिशन स्कीम एंड ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम सर ड्यूटी रेमिशन स्कीम मुझे बताओ ईपीसीजी स्कीम किसके लिए था ईपीसीजी स्कीम वॉज अ स्कीम फॉर कैपिटल गुड्स कैपिटल गुड्स इंपोर्ट हुआ तो आपको टैक्सेस पे करने की जरूरत नहीं है बट ड्यूटी रेमिशन स्कीम और ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम ये टैक्सेस ऑन द रॉ मटेरियल, टैक्सेस ऑन नॉट ऑन द कैपिटल गुड्स बट रेवेन्यू गुड्स एंड नॉर्मल गुड्स अगर आप कोई भी गुड्स इंपोर्ट करके यूज करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जो भी इंपोर्ट किया है उस पर आपको टैक्सेस देने की जरूरत नहीं है हम आपको जीरो कस्टम ड्यूटी चार्ज करेंगे क्योंकि आप वो गुड्स एक्सपोर्ट में यूज करने जा रहे हैं आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू मैं रिपीट कर रहा हूं अगर आप कोई भी गुड्स इंपोर्ट करके मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग में यूज करके आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उस केस में गाइस यू नीड नॉट पे अ सिंगल पेनी ऑफ टैक्स ऑन द इनपुट्स बिकॉज यू आर यूजिंग दैट गुड्स फॉर दी एक्सपोर्ट वेरी क्लियर सर एग्जाम्शन मतलब टैक्स पे करना ही नहीं है सर ड्रॉबैक मतलब भरा था रिफंड लेना एग्जाम्शन मतलब यू नीड नॉट पे ओनली सर वॉट इज ड्रॉबैक यू हैव पेड यू कैन टेक अ रिफंड सपोज मैंने रॉ मटेरियल लाया मुझे नहीं पता मैं एक्सपोर्ट करूंगा मैंने रॉ मटेरियल लाकर सैंपल गुड्स बनाया मैंने टैक्स भर दिया अब मैंने एक्सपोर्ट किया तब मुझे एक्सपोर्ट में माना गया अब मैंने एक्सपोर्ट किया तो मैं गवर्नमेंट को बोलेगा hey, है हे गवर्नमेंट हाँ 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 समझे क्या गवर्नमेंट को हाँ हा, नहीं बोलना है गवर्नमेंट को बोलना ड्यूटी ड्रॉबैक ड्रॉबैक करेक्ट बात जो भर रहा है वो पैसा वापस चाहिए करेक्ट एक्सपोर्ट करोगे तो टैक्सेस रिफंड मिलेंगे इसको क्या बोलेंगे yeah. yeah. तो भरा ही नहीं है मतलब जो भी कस्टम ड्यूटी है वो भरी ही नहीं है बट ड्रॉबैक में आपने क्या किया है रिफंड लिया ड्रॉबैक में आपने क्या किया है रिफंड लिया आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस समझ आ रहा है कि आपके तो गाइस आपको यह समझना है सबसे पहले एक्जशन स्कीम में दो टाइप है एडवांस ऑथराइजेशन एंड ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन सर एडवांस ऑथराइजेशन डबल ए और डी एफ आई में फर्क क्या है एडवांस ऑथराइजेशन में हमको एडवांस परमिशन दे रहे हैं बारह महीने का कि तुम जितना भी इंपोर्ट करोगे हम टैक्सेस नहीं लेंगे और डी एफ आई में आपको इंपोर्ट करने से पहले परमिशन लेना है और आपको परमिशन दे दिया आप इंपोर्ट कर लो हम टैक्सेस नहीं लेंगे आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस तो एडवांस ऑथराइजेशन, जैसे आपके पेरेंट्स बोलते हैं ना बेटा पंद्रह हजार तक जितना खर्चा करना करो साल भर कर साल भर में पंद्रह हजार तक जो खर्चा करना है करो और अगर आपको ज्यादा खर्चा करना है तो परमिशन लो करेक्ट बात तो गाइस एडवांस ऑथराइजेशन में आपको एडवांस परमिशन दे के रखा है क्योंकि आप ऑलरेडी बड़े धुरंधर हो और हम आपको ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपने एक्सपोर्ट प्रूफ करा है इसलिए हम आपको लाइसेंस दे के रख रहे हैं बारह महीने का बट डीएफआई में फर्क ये है डीएफआई के अंदर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन में आपने अभी तक एक्सपोर्ट प्रूफ नहीं किया अभी आप प्रूफ कर रहे हो एक एक कंसाइनमेंट के लिए हम आपको परमिशन देते जाएंगे वेरी क्लियर गाइस सर एडवांस ऑथोराइजेशन में सारे कस्टम ड्यूटी माफ है बेसिक काउंटर वेलिंग ड्यूटी एंटी डंपिंग ड्यूटी सारे कस्टम ड्यूटी के अलग अलग टाइप्स होते हैं करेक्ट बात सर उसके एक एक की मीनिंग बताओ जरूरत नहीं है कस्टम्स में बढ़ोगे करेक्ट बात बेसिक कस्टम ड्यूटी स्पेशल कस्टम ड्यूटी एडिशनल कस्टम ड्यूटी काउंटर वेलिंग ड्यूटी ये सारे जो है ना करेक्ट एंटी डंपिंग ड्यूटी ऐसे बहुत सारे टाइप्स पढ़ा सकते हैं बट वो सारे माफ है बट डी के अंदर ये देखो एफ आई ए नए प्लेयर है हम एकदम उसको बेनिफिट देने वाले नहीं है तो डी एफ आई ए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन इन लोगों को सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जाम बट एडवांस ऑथराइजेशन वालों को सारे ऑल टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज आर एग्जाम देखो यहां पे क्या लिखा है क्या क्या एग्जाम है अपना अपना प्रस्टेशन दूसरे पहने निकालना है अपने अपने घर ही घेन जावा बेचारी तुक 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 ये देखो सेकेंड एडवांस ऑथराइजेशन एडवांस ऑथराइजेशन में आपने परमिशन लेके रख दी है आपको इंपोर्ट कितने महीने में करना है बारह महीने में आपने बोला हे गवर्नमेंट हे मोदी जी सुनो मैं एक्सपोर्ट करने जा रहा हूं परमिशन दो मोदी जी बोलेंगे ततास्तु अब मोदी जी ने बोला ततास्तू बोले बोल देख ये ततास्तु बारह महीने के लिए बारह महीने के अंदर तेरा रॉ आ जाना चाहिए और और महीने महीने में में तेरा एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए तूने लाया तो तो हम तुझे देंगे तो ये आपका और एक्सपोर्ट कब तक करना है? 18 months. इंपोर्ट कब तक करना है ट्वेल्व मंथ्स इज दैट वेरी वेरी क्लियर गाइस तो देखो इंपोर्ट कब तक ट्वेल्व मंथ्स और एक्सपोर्ट देखो कितना बोला यहां पर एक्सपोर्ट नीड टू बी डन विद इन हाउ मेनी मंथ्स एटीन टन की प्रोजेक्ट टन की इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हम एक्सपोर्ट करेंगे और वहां पे मेट्रो बनाने वाले हैं तो वहां की गवर्नमेंट जैसे अभी फेसबुक का ये क्या एप्पल का सीईओ आया ताली बजा के रिबन कट करके ऐसा सा हाथ दिखाया लोग आओ वाह वाह चला रहे थे करेक्ट बाद और लोग चिल के वीडियो डाल रहे थे वैसा हाथ दिखा रहे हैं करेक्ट बाद सर टन की प्रोजेक्ट उसने पैसे दिए पूरा स्टार्ट टी एंड रेडी करो शोरूम हमसे तो तो आपको कोई भी इंडिया के बाहर जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर अदानी ग्रुप को टर्न की प्रोजेक्ट मिला है बहुत बड़ा उनको इंफ्रास्ट्रक्चर का टर्न की प्रोजेक्ट मिला है वहां की गवर्नमेंट सिर्फ पैसे देगी उनको पूरा का पूरा रेडी करना पड़ेगा तो उस केस में मेरी बात मानना टर्न की प्रोजेक्ट के लिए आपको जितना भी प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है अगर प्रोजेक्ट में तीन साल लिखा है तो तीन साल प्रोजेक्ट में दो साल लिखा है तो दो साल प्रोजेक्ट में चार साल लिखा है तो चार साल या एटीन मंथ्स विच एवर इज मोर वेरी क्लियर गाइस करेक्ट बात उसके बाद जितने भी डिफेंस मिलिट्री एरोस्पेस है तो ट्वेंटी फोर मंथ्स और प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन विच एवर इज मोर एंड इसके अलावा करेक्ट बात अलग अलग उन्हें कमिटमेंट अलग अलग शेड्यूल के अंदर मैंशन किया है तो मैं रिपीट कर रहा हूँ एडवांस ऑथोराइजेशन सानिका इज आस्किंग सानिका मुले प्लीज एक्सप्लेन काउंटर विलिंग ड्यूडे इधर ही बैठे ना तो और कोई सानी का मुले है ये हाँ क्या क्या वो मुसले हैं ये मुले हैं एम यू एल वाई एम यू एल वाई ऐसे है नहीं थामा थामा ठंडा ले में समझ गया तो मसाले हैं वो मिले हैं जो भी हैं सुनो मेरी बात अरे जो भी है वो बच्ची ने पूछा काउंटर विलिंग ड्यूटी क्या होता है सानी का काउंटर विलिंग ड्यूटी एक टाइप का ड्यूटी है टैक्स है जो अलग अलग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में चार्ज किया जाता है बेसिकली काउंटर विलिंग ड्यूटी मतलब कोई गवर्नमेंट एक्सपो चाइना गवर्नमेंट अगर अपने कंट्री के लोगों को एक्सपोर्ट पे सब्सिडी दे रहा है जिससे प्राइजेस बहुत कचरा ही का रेट हो रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी जिससे वो प्राइजिंग इक्वल हो जाएगा तो वो एडजस्ट करने के लिए ऑफसेट करने के लिए एक्सपोर्ट सब्सिडी एक्सपोर्ट सब्सिडी एडजस्ट करने के लिए गवर्नमेंट चार्ज करेगी उसको बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी वहां की गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही तो हम चार्ज कर रहे तो प्राइस इक्वल हो जाएगा तो बट वो दिमाग नहीं लगाना छोड़ दो चलो वेरी बात इंपोर्ट इंपोर्ट ऑथराइजेशन क्या है इंपोर्ट कितने टाइम में होना चाहिए 12 मंथ्स और एक्सपोर्ट कब तक तो होना चाहिए 18 मंथ्स सर टर्न की प्रोजेक्ट 18 मंथ्स और प्रोजेक्ट लाइफ विच एवर इज मोर सर डिफेंस अरे डिफेंस डिफेंस बताइए 24 फोर मंथस ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ विच एवर इज मोर तब जाकर आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है आर यू अंडरस्टैंडिंग माइ पॉइंट ऑफ व्यू ये और नो अरे इज नॉट क्लियर गाइज येस और नो करेक्ट बात तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं ड्यूटी एग्जाम्शन ड्यूटी रेमिशन स्कीम मुझे बताओ ड्यूटी एग्जाम्शन मतलब टैक्स पे किया नहीं किया नहीं किया और ड्रॉबैक में क्या हो रहा है रेमिशन में क्या हो रहा है पे किया बट रिफंड ले रहे हैं उसको क्या नाम दिया ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम क्या नाम दिया ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम वेरी क्लियर और एग्जामिशन में कितने टाइप है दो टाइप है कौन से दो टाइप है पहला एडवांस ऑथराइजेशन एंड ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑथराइजेशन एडवांस ऑथराइजेशन में परमिशन इज ग्रांटेड इन एडवांस एंड ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑथराइजेशन परमिशन इज ग्रांटेड पर कंसाइनमेंट बेसिस परमिशन इज ग्रांटेड पर कंसाइनमेंट बेसिस वेरी क्लियर गाइस तो यहां पर देखो इन्होंने क्लियर बोला है जितने भी लोग ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स विच विल बी फिजिकली इंकॉर्पोरेटेड इन दी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट जितने भी एक्सपोर्ट करेंगे उसमें रॉ मटेरियल आप यूज करोगे उस पर आपको टैक्सेस देने की जरूरत नहीं है भले उसका जो भी इनडायरेक्ट मटेरियल यूज करें फ्यूल ऑयल कैटलिस्ट डायरेक्ट मटेरियल हो या इनडायरेक्ट मटेरियल हो उस पर हम आपको टैक्स बेनिफिट देंगे वेरी क्लियर गाइस और सर ये जो इनपुट आउटपुट है आपने पढ़ा था ना इनपुट आउटपुट नॉर्म्स दो के जी रॉ मेटेरियल से वन के जी फिनिश गुड्स तो वन के जी पर दो के जी रॉ मेटेरियल पर कस्टम ड्यूटी माफ सर ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स के हिसाब से आपको बेनिफिट देंगे एग्जाम्पल है एक के जी बनाने में दो के जी रॉ मेटेरियल लग रहा है तो सौ के जी एक्सपोर्ट किया तो दो सौ के जी रॉ मटेरियल पे टैक्स एग्जेप्ट होगा सर ये किसने बोला गवर्नमेंट ने बोला सर गवर्नमेंट ने कहा मेंशन किया पॉलिसी में करेक्ट बात कहां पर वो भी हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंडस्ट्री के लिए क्या दे दिया स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स क्या दे दिया स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म इनपुट इज रॉ मटेरियल आउटपुट इज फिनिश गुड्स तो जितने फिनिश गुड्स बनाएंगे उसका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स के आपसे रॉ मटेरियल निकाला जाएगा और उस पर आपको टैक्सेस देने की कोई जरूरत नहीं है सर अगर कोई भी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म मेंशन नहीं है कुछ इंडस्ट्री के लिए मेंशन नहीं है तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पर जो भी आप बोलोगे हम एग्री कर लेंगे वेरी वेरी क्लियर गाइस सर इसका क्या महत्व है अरे कितने रॉ मटेरियल पे टैक्स बेनिफिट देना है ये हमें देखना पड़ेगा ना तो हम क्या बोलेंगे इनपुट आउटपुट नॉर्म्स रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स नॉर्म्स तो फिनिश गुड्स टू रॉ मटेरियल कितना बेनिफिट देना है वो देखना पड़ेगा करेक्ट गाइस बट अगर कोई भी गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स में मेंशन नहीं है उस इंडस्ट्री के लिए तो वो सेल्फ डिक्लेयर करेंगे और हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो बताओ डबल ए क्या हो रहा है डबल ए में ड्यूटी एडवांस ऑथराइजेशन क्या फ्री हो रहा है ड्यूटी फ्री हो रहा है किस चीज पर इनपुट्स पे सर क्या सिर्फ रॉ मटेरियल पे हो रहा है या इनडायरेक्ट मटेरियल पे हो रहा है इनडायरेक्ट मटेरियल पर भी हो रहा है आर यू अंडरस्टैंडिंग माइ पॉइंट ऑफ व्यू अरे यस और नो सर इसके बाद सर जो फिनिश गुड्स टू रॉ मटेरियल रेशो है इसको हम क्या बोलेंगे इनपुट आउटपुट नॉर्म क्या गवर्नमेंट ने ऑलरेडी दे दिया है yes. यस उसको हम क्या बोलेंगे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉम सर नहीं दिया है तो क्या करेंगे सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पर सर स्पाइसेस इंडिया में इंपोर्ट होके एक्सपोर्ट हुए तो स्पाइसेस सिर्फ ट्रेडिंग नहीं करना है अगर आप इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो तो कम से कम क्रशिंग ग्राइंडिंग स्टरलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो हम आपको बेनिफिट देंगे आप सिर्फ क्लीनिंग पैकिंग ग्रेडिंग कर रहे हो ग्रेडिंग मतलब अच्छा क्वालिटी बुरा क्वालिटी मीडियम क्वालिटी ग्रेडिंग कर रहे हो तो हम उसको बेनिफिट देने वाले नहीं है सो so, आपने स्पाइसिस इम्पोर्ट किया और आपने स्पाइसिस को क्या किया क्रश करके पाउडर बनाया ग्राइंडिंग करके उसको पीसेस बनाए बड़े बड़े पीस को स्मॉल पीस बनाए सर स्टरलाइजेशन मतलब एक प्रोसेस होता है जिसकी लाइफ बढ़ाई जाती है उसके बाद में मैन्युफैक्चर ऑफ ऑयल उसको एक्सट्रैक्ट करके उसके ऑयल या लिक्विड्स निकाले हैं करेक्ट बात तो इस प्रोसेस को करोगे तो आपको डबल ए मिलेगा बट अगर आप क्लीनिंग करोगे करेक्ट बात आप उसको पैकिंग करोगे ग्रेडिंग करोगे तो स्पाइसिस पर डबल ए मिलने वाला नहीं है इज दैट वेरी वेरी क्लियर गाइज ये और नो करेक्ट बात उसके बाद या देखो एनुअल रिपोर्ट देना जितने भी लोग ने डबल ले लिया है तो उनको साल भर का परमिशन है तो उनको एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा एडवांस ऑथोराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट ओनली बी इशूड ऑन स्टैंडर्ड स्टैंड नॉर्म्स ठीक है बात इसमें इतना नहीं जाना है नेक्स्ट एनुअल रिक्वायरमेंट चेक करो ये क्या लिखा है कितना अलाउड है इनको एलिजिबल कंडीशन टू ऑप्टेन कितना इंपोर्ट करना अलाउड है ड्यूटी फ्री कितना इंपोर्ट करना अलाउड है अगर कोई भी पिछले दो सालों में जिन्होंने एक्सपोर्ट प्रूफ किया है उन लोगों को ही डबल ए मिलेगा पहले आपको हिस्टोरिकली प्रूफ करना पड़ेगा क्या प्रूफ करना पड़ेगा देर इज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इन द पास्ट ईयर्स हाउ मेनी ईयर्स फॉर एटलीस्ट टू फाइनेंशियल ईयर तब जाकर गवर्नमेंट आपको क्या देगा डबल ए अदरवाइज पहली बार आपको क्या लेना है डी एफ आई ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन अरे आपका एक्सपोर्ट का बैकग्राउंड होना चाहिए ना तो ये हम आपको एडवांस परमिशन देंगे yeah. आपका एक्सपोर्ट का बैकग्राउंड ही नहीं है तो हम पहली बार परमिशन क्यों देंगे तो आपके पिछले दो सालों में अगर आपका एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड है तो ही हम आपको डबल ए देंगे और कितना इंपोर्ट आप कर सकते हो जितना भी देखना मेरी बात रुपीज़ वन सी आर और जितना भी आपने एक्सपोर्ट किया है उसका थ्री हंड्रेड परसेंट विच एवर इज हायर इतना परमिशन है सर उससे ज़्यादा करना है तो आपको कंसाइनमेंट परमिशन लेना पड़ेगा हु इज एलिजिबल जिसका भी एक्सपोर्ट है पिछले दो सालों वेरी क्लियर वो एडवांस ऑथराइजेशन ले सकता है सर कितना इंपोर्ट कर सकता है जितना भी उसने एक्सपोर्ट किया उसका 300% परसेंट और वन सीआर आर विच अवर इज हायर सर मिनिमम पंद्रह टक्का वैल्यू एडिशन करना है ट्रेडिंग करोगे तो आपको मिलने वाला नहीं है कुछ प्रोसेसिंग करोगे वैल्यू एडिशन करोगे तो आपको परमिशन मिलेगा और आपको बेनिफिट मिलेगा ट्रेडिंग वालों को डबल ए मिलने वाला नहीं है आईफोन लिया आईफोन बेचा नहीं चलेगा आईफोन लिया उसके ऊपर आपने कुछ नया कुछ चीज़ ऐड किया एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं जिस करेक्ट कवर वगैरह ऐड करके बेचा तो आपको हम वैल्यू एडिशन में कंसिडर करेंगे तो मिनिमम पंद्रह टक्का होना चाहिए सर के लिए कितना है 50% परसेंट सर जेम्सन एंड ज्वेलरी के लिए रेफर टू द हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स वेरी वेरी क्लियर गाइस और कुछ कुछ प्रोडक्ट के लिए less than 15% है 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 वो appendix 4D के अंदर mentioned है. Generally कितना है? 15%. देखो AA और DFI में है. में DFI में फर्क तो जो लोग थोड़ा एक्सपीरियंस हो गए ना उनको फायदे ज्यादा हो जाते हैं करेक्ट बात आई के अंदर वैल्यूएडेशन ट्वेंटी परसेंट करेक्ट डबल ए में सारे टैक्सेस एग्जैम डीएफआई में सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी डबल ए में इंपोर्ट करने का समय बारह महीने है वहां पर पहले इंपोर्ट करने से पहले परमिशन लो फिर इंपोर्ट करो आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस करेक्ट बात तो दोनों में आप टैक्स पे नहीं कर रहे बट दोनों के प्रोसीजर्स अलग अलग है वेरी वेरी क्लियर गाइस करेक्ट हु इज एलिजिबल टेल मी हु इज एलिजिबल हु इज एलिजिबल ज एलिजिबल जिनका एक्सपोर्ट इन द प्रिस टू ईयर्स है एंड कितना इंपोर्ट कर सकते हैं बताइए थ्री हंड्रेड परसेंट ऑफ द एफ ओ बी वैल्यू ऑफ द गुड्स इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड और वन सी आर विच एवर इज मोर वैसे वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला क्या है ए माइनस बी अपॉन बी इंटू हंड्रेड सर व्हाट इज एफ ओ बी वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड वॉट इज बी सी आई वैल्यू ऑफ गुड्स इम्पोर्टेड सर मिनिमम वैल्यू एडिशन कितना करना पड़ेगा फिफ्टीन परसेंट कुछ गुड्स पे लेस देन 15 परसेंट अलाउड है वो कहां पर मैं अपर डी मेंशन है सर जेम्स एंड ज्वेलरी है रेफर टू द हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर और सर टी रहेगा तो 50 परसेंट आपको 15 परसेंट आपको वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा सर कौन से कौन से टैक्सेस एक्जमट है बेसिक कस्टम ड्यूटी एडिशनल कस्टम ड्यूटी एजुकेशन सेस एंटी डंपिंग ड्यूटी सेफ ड्यूटी एक्सेट्रा विच एवर इज एप्लीकेबल

और दो मिनट बढ़ाऊंगा मैं ठीक है ना भाई बाँ? वो तो बताओ ड्यूटी एग्जाम्शन एंड रेमिशन स्कीम तो रेमिशन में टैक्स पे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ड्रॉबैक में पे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं पे करके रिफंड ले रहे हैं सर रेमिशन स्कीम में कितने टाइप्स है नहीं है वो एग्जामेशन में एग्जामेशन में कितने टाइप है दो टाइप है कौन से दो टाइप है डबल ए एंड एंडीएफ आई इज डबल ए एडवांस ऑथराइजेशन बॉडी डीएफ आई ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑथराइजेशन डबल ए में वैल्यू एडिशन कितना चाहिए 15 परसेंट सर डीएफआई में कितना वैल्यू एडिशन 20 परसेंट सर डबल कौन से कौन से टैक्सेस टैक्स है? बेसिक कस्टम एडिशनल कस्टम स्पेशल कस्टम काउंटरवेलिंग उसके बाद में मुझे बताओ डीएफआई में कौन से कौन से टैक्स एग्जाम है ओनली बेसिक कस्टम ड्यूटी मुझे बताओ डबल ए में इंपोर्ट करने का टाइम पीरियड कितना है 12 मंथ्स और एक्सपोर्ट करने का एटीन मंथ्स सर अगर टर्न की प्रोजेक्ट्स है एटीन मंथ्स और द प्रोजेक्ट लाइफ सर डिफेंस एरोस्पेस है ट्वेंटी फोर और द प्रोजेक्ट लाइफ और अगर मैं बात कर रहा हूं क्या बोल रहा था मैं हाँ सर डबल ए के लिए कौन एलिजिबल है बताइए डबल ए के लिए कौन एलिजिबल है बताइए जो पिछले दो सालों में से एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस दिखा रहा है सर कितना एलिजिबल है जितना भी एक्सपोर्ट किया उसका 300 परसेंट और वन सीयर विच एवर इस हाई सर स्पाइसिस के लिए क्या करना पड़ेगा क्रशिंग स्टरलाइजेशन ग्राइंडिंग ठीक है ना एक्सेट्रा एक्सेट्रा बट क्लीनिंग ग्रेडिंग पैकिंग करोगे तो डबल ए मिलने वाला नहीं है वेरी क्लियर सर टी के लिए मिनिमम वैल्यू एडिशन

इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ आइटम्स एट आर प्रोहिबिटेड रिस्ट्रिक्टेड एंड स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस कुछ प्रोडक्ट्स आप इंडिया में गवर्नमेंट ने बैन किया है आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना अलाउड नहीं है गवर्नमेंट ही करेगा करेक्ट बात आपको इसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना प्रोहिबिटेड है आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना रिस्ट्रिक्टेड है आपको अगर ये सिर्फ स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज जो सरकारी एंटरप्राइजेज है वही इसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे जैसे कोविड वैक्सीन गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट किया फिर प्राइवेट प्लेयर को दिया डायरेक्ट प्राइवेट प्लेयर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस करेक्ट भले इंडिया से मैन्युफैक्चर हो रहा है या बाहर से आ रहा है फाइजर बाहर से आया था फिर बाद में इंडिया में बना तो फाइजर जो वैक्सीन था वो बाद में पहले इंपोर्ट हुआ कंसाइनमेंट तो पहले लैंड हुआ एयरपोर्ट्स पे उसके बाद गवर्नमेंट ने इंपोर्ट करने के बाद ही प्राइवेट प्लेयर को दिया तो गाइस उसको लेकर यहाँ पर क्या बुलाए उसके लिए आपको डबल ए या डी मिलने वाला नहीं है कोई भी गुड्स जो रिस्ट्रिक्टेड है प्रोहिबिटेड है आप उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते अंडर डबल ए और डी एफ आई और अगर वो प्रोडक्ट्स रिजर्व है तो जब तक आप परमिशन नहीं लोगे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लोगे तो आप इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं इज दैट वेरी वेरी क्लियर अरे हाया ना yeah. ये समझ में आ रहा है क्या yeah. पक्का करेंसी कौन से करेंसी यू विल एक्सपोर्ट एंड रिलीज विच करेंसी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी कितने कंट्रीज है 190 प्लस कितनी करेंसीज है 160 प्लस कितनी फ्रीली एक्सचेंज फॉरेन करेंसी है आठ से 10 उसी में पैसा रिकवर करोगे तो डबल ए या डी एफ आई मिलेगा दूसरी करेंसी में रिकवर करोगे तो डबल ए डी एफ आई मिलने वाला नहीं है उसके बाद में एक्सपोर्ट टू तो रूपी पेमेंट एरिया मतलब नेपाल कर बात नेपाल भूटान वहां से तो वहां से फ्रीली करेंसी नहीं आया चलेगा वहां से रुपीज आया तो भी चलेगा एक्सपोर्ट टू एसी जेड एस सी जेड तो अपने घर में ही है तो वहां से डी टी ए टू एस सी जेड एक्सपोर्ट माना जाता है तो एस सी जेड से पैसा रूपी में आया तो भी चलेगा करेक्ट है ना बात ये चीज यहां पर बोला है बट जनरली इट शुड कम इन फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरन करेंसी इज दिस वेरी वेरी क्लियर गाइज तो आपका ये ये देखो यहां पर बी आई एफ आर वॉट इज बी आई एफ आर बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकन्स्ट्रक्शिक इंडस्ट्रीज जो डुबती इंडस्ट्रीज के लिए बोर्ड है बी आई एफ आर तो वो डुबती नैया को बचाना चाह रहे हैं डुबते को तीन के का सहारा बी आई एफ आर वेरी क्लियर गाइस तो सिख इंडस्ट्रीज़ को बचाने के लिए बी का रोल होता है तो so, ये लोग क्या करते हैं रीस्ट्रक्चरिंग प्लान बनाते हैं ये लोग डूबती हुई कंपनीज को बचाने की कोशिश करते हैं और अगर बी इनके सिख इंडस्ट्रीज को बचाना चाहता है तो ये जो सिख इंडस्ट्रीज है इसने अगर डबल ए ले रखा है तो इनको एक्सपोर्ट करने को हम थोड़ा समय ज़्यादा देंगे विल गिव दैम मोर द टाइम आर यू अंडरस्टैंडिंग मा पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट बात तो यहां पर देखो सबसे पहले ये देखो क्या लिखा है अ कंपनी हैविंग डबल ए एंड रजिस्टर्ड विद बी आई एफ आर यहाँ पर देखना है मे बी परमिटेड फॉर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन एक्सटेंशन कितना एक्सटेंशन करेक्ट बात जनरली जितना भी बी आई एफ आर अप्रूव करेगा वितना बट अगर टाइम पीरियड मेंशन नहीं है तो देखो एक्सपोर्ट ऑप्लीगेशन एक्सटेंशन टू इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ दिस करेक्ट बात तो बी आई एफ आर देखो सिंपल है सिक इंडस्ट्री डुबती नहीं है डूबती नहीं है भगवान कौन है बी आई फर बी एर बोलते नहीं 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 डूबना है बचा लिया अब ये बचा लिया बचा लिया अब ये बचा लिया अब ये बचाने वाले के ऊपर कुछ डबल ए था इसको लाए है डबल ए बोले करता ना एक्सपोर्ट टाइम देना करता करता देना डूब रहा हो यार करेक्ट भाई डूब रहा हो बी आई फर बोलता कितना समय चाहिए तीन साल ततास्तू बी आई फर बोलता ततास्तु मतलब तीन साल बी आई फर होता है बहुत नाटक हो गया तेरा एक्सटेंशन मिलेगा बट बताऊंगा नहीं तो यहां पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बोलता है दो साल तो मिलेगा मिलेगा जितना भी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है अठारह महीना प्लस दो साल आपको एक्सटेंशन मिलेगा फॉर कंप्लीटिंग दी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन समझा क्या मेरी बात रिपीटिंग अगेन क्या है ये क्या है क्या ही है ये एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन एक्सटेंशन एक्सपोर्ट करने का समय एक्सटेंशन किसके लिए दोज यूनिट्स दो कंपनीज अंडर बी आई एफ आर और रिहेबिलिटेशन जैसा नहीं क्या किसी को रिहेबिलिटेशन सेंटर में डालते सोम वगैरह एग्जाम्पल एक्जा, करेक्ट बात कहा कौन सा रिहेबिलेशन कौन सा रिहेबिलेशन हाँ यज्श यज्ञनेश ने कुछ तो बोला रिहेबिलिटेशन सेंटर के एक सेंटर में हाँ कौन जाके आया क्या क्या एक मिनट क्या, क्या बोली संचिति में रियाबिलिटी सेंटर है मुझे नहीं मालता मेरे पार्टनर के अंकल है वो मुझे फिर भी नहीं मालूम है सच में वो तो मुझे लगा वो औरतों वगैरह का काम करता है ठीक हाँ। है सोम को छोड़ गया है तुम तो जो दारूडे लोग होते हैं ना उनको रिहेबलिटेशन सेंटर में डाला जाता है फिर उनको थोड़ा सुधारने की कोशिश करते हैं तो ऐसे डूबती हुए यू you नो know, दारूडी कंपनीज मतलब जो डूब रहे हैं उनको बचाने के लिए क्या प्लान होता है बी आई एफ आर या रिहाबिलिटेशन तो उनको हमें थोड़ा समय देना पड़ता है समय कितना देना है जितना भी बी आई एफ आर अप्रूव करेगा सर बी आई एफ आर ने बोला नहीं है तो मिनिमम कितना मिलेगा टू इयर्स हाउ मेनी ईयर्स टू ईयर्स तो गाइज आपका पूरा डबल एज जितना नीडेड है मैंने आपको बता दे वेरी वेरी क्लियर गाइज अगर आपको डबल ए आया है तो डी आई एफ आई भी आएगा अरे समझ में आ रहा है क्या रिकॉल हो रहा है क्या yeah. हो रहा है क्या स्कोरिंग yeah. चैप्टर है छोड़ना मत करेक्ट बात तो डी एफ आई ए पांच माह का कंफर्म है डी एफ आई ए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन पढ़ो क्या लिखा है अलाउ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स एंड इट इज आल्सो ऑन ऑयल एंड कैटलिस्ट इनडायरेक्ट गुड्स एंड डायरेक्ट गुड्स कॉस्टिंग कॉस्ट शीट डायरेक्ट मटीरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट ओवर कॉस्ट डायरेक्ट एक्सपेंस प्राइम कॉस्ट माइनस ऐसा एड एंड क्लोज करेक्ट ऐसा करते हैं कि नहीं करते आप करेक्ट है प्लस इनडायरेक्ट मटीरियल करेक्ट है तो डायरेक्ट मटीरियल हो या इनडायरेक्ट मटीरियल आपको इस पर बेनिफिट मिलने वाला है जिसको हम बोलेंगे डी एफ आई है बट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन डबल ए एंड डी एफ आई ए सर यहाँ देखो सबसे पहले आपको सिर्फ क्या एग्जाम होगा बेसिक कस्टम ड्यूटी वेरी क्लियर हु इज एलिजिबल फॉर डी एफ आई ए पढ़ो ये पढ़ो पढ़ो बहुत कुछ लिखा है क्या लिखा है सिर्फ वो गुड्स जिसके ऊपर एस आई ओ एन अब एक अदा बच्चा बीच में लेक्चर दिखता होगा एस आई ओन अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं मेरी कोई गलती नहीं है ठीक है ना एस आई ओ एन एस आई ओ एन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स ये मैंशनड है उसी गुड्स पर क्या मिलेगा डी एफ आई ए वेरी क्लियर गाइस देखो यहाँ पे डी एफ आई ए शल बी इशूड ऑन पोस्ट एक्सपोर्ट बेसिस फॉर विच एस आई ओ एन हैज बीन हैव बीन नोटिफाइड वेरी क्लियर गाइस मर्चेंट एक्सपोर्टर शाल रिक्वायर टू मैंशन द नेम एंड एड्रेस पूरा उनको एक्सपोर्ट करने के बाद बेनिफिट मिलेगा बट आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं करेक्ट बात आपको प्रूफ करना है कि आप ये कर रहे हो आपको ऑर्डर मिला है आपको ये हाथ में एक्सपोर्ट ऑर्डर है ये गवर्नमेंट के पास जमा करना पड़ेगा उस उसके बाद ही आपको क्या मिलेगा डी एफ क्लियर गाइस येस और नो मिनिमम वैल्यू एडिशन ट्वेंटी परसेंट और शायद कुछ प्रोडक्ट्स के लिए हायर वैल्यू एडिशन बट डबल ए में मिनिमम वैल्यू एडिशन इज 15% परसेंट बट कुछ प्रोडक्ट्स के लिए लोअर वैल्यू एडिशन यहाँ पे 20% परसेंट तो है बट कुछ प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा भी वैल्यू एडिशन करना पड़ सकता है वेरी वेरी क्लियर गाइज येस और नो अब आपने एक्सपोर्ट दिखाया गवर्नमेंट को फिर रॉ मटेरियल आया लाने के बाद परमिशन मिली तो बेसिकली आपको 12 महीने में एक्सपोर्ट कंप्लीट करना पड़ेगा सर बारह महीने में वहां पर कितना था एटीन मंथ्स हाउ मेनी मंथ्स एटीन मंथ्स बट यहाँ पर कितना दिया है बारह महीना ट्वेल्व मंथ्स वेरी वेरी क्लियर गाइज येस और नो ये देखो एंड कंप्लीट द प्रोसेस ये देखो एप्लीकेशन शुड बी फाइलर जनरेट बियॉन्ड ट्वेंटी फोर मंथ्स ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है करेक्ट बात सेपरेट डीएफआई शल बी इशूड फॉर ईच एसआईएन एंड ईच पोर्ट पोर्ट वाइज अलग-अलग हो सकता है करेक्ट है ए सेपरेट एसआईएन के लिए अलग-अलग डीएफआई परमिशन हो सकती है करेक्ट बात तो ये इतना नहीं देखना है कुछ प्रोडक्ट्स सेंसिटिव आइटम्स है मतलब कॉपर स्टील रबर अब वो रबर का रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके रबर से क्या बनाने वाले हैं अब्बा झब्बा डब्बा सुन मेरी बात रबर से रबर बनाएगा भले रबर से टायर बन सकता है रबर से और कुछ बन सकता है आर यू अंडरस्टैंडिंग माइ पॉइंट ऑफ व्यू स्टेनलेस स्टील स्टेनलेस स्टील इंपोर्ट करोगे तो आप और कुछ बना सकते हो स्टेनलेस स्टील का डब्बा वगैरह बना सकते हैं स्टेनलेस स्टील से आप यूटेंसिल बना सकते हैं तो आपने जब इंपोर्ट किया है सेंसिटिव आइटम शायद वो प्रोडक्ट से आप अलग अलग चीज बना सकते हो तो आपको पहले ही बताना पड़ेगा कि ये रॉ मटेरियल लाकर आप क्या बनाने वाले हैं वेरी क्लियर गाइस देखो देखो सोना इफ इन रिस्पेक्ट ऑफ रिजल्टन प्रोडक्ट रिक्वायर द फॉलोइंग इनपुट्स एक्सपोर्टर शैल बी रिक्वायर टू प्रोवाइड अ डिक्लेरेशन विथ रिगार्ड्स टू टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटी एंड स्पेसिफिकेशंस इन द शिपिंग बिल सारी जानकारी पहले देनी पड़ेगी क्योंकि आप एंड ऑफ द डे वो प्रोडक्ट क्या बनाने वाले हो ये आज नहीं जज कर सकते तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि आप जिंक ला रहे हो आप इंसेक्टिसाइड्स ला रहे हो या आप रेलेवेंट फैब्रिक लाकर क्या बनाने वाले हो आप मार्बल लाकर क्या बनाने वाले हो तो आपको ये सारे डिक्लेरेशन एडवांस में देने पड़ेंगे तब जाकर आपको मिलेगा डी एफ आई ए तो आपका डी एफ आई ए खत्म आपका डबल ए खत्म समझ रहे मेरी बात यज्ञ को ताली ताली इसलिए बजा रहा है जल्दी जल्दी खत्म कर सर दो मिनट अपन ऐसे रुकेंगे तूने लेक्चर नहीं अटेंड किया था लेक्चर अटेंड किया था, किया था? तो यू बचा है हाँ तो, तो, तो -यू बचा है मैं ऐसे हूँ एक गाना बनता है किसका किसका सानी का मुले विल मीट सानी का मुसाले सॉरी हर्षू इतना प्यार कौन गाना चाह रहा जल्दी बोला एक गाना बनेगा फिर अपन ईओ यू पे आएंगे ऑनलाइन जनता आर यू देर गाइज आर यू लिस्निंग माही ओल्ड स्टूडेंट इज टेलिंग से मिसिंग द फेस टू फेस वी मिस यू ऑल गाइज हाँ अरे बोलो को गुमलाओ वो आधा घंटा स्टेज खा जाएगा गाएगी ईटी में गाया था तूने वो खाएगी गाती नहीं। काजल गाएगी काजल के लिए ताली प्लीज जरा से अरे ताली बजाओ शामे मलंग सी रात सुरंग सी भागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए इलाही मेरा जी आए आए थैंक यू <laughs> <laughs> कल पे सवाल है जीना फिलहाल है पे जीना क्यों इलाही मेरा जिया ये इलाही मेरा जिया ये मेरा फसला खंद पे मेरे बसता चला मैं जहा चला मुझे रास्ता बूंदो पे नहीं Yay. सर नहीं आगे थैंक यू ओके 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 लेट अस कम टू ई ओ यू ई एच टी पी एस टी पी बी डी पी वॉट इज ई ओ यू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स ई एच टी पी इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एस टी पी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बी टी पी बायो टेक्नोलॉजी पार्क सर ये क्या है एग्जैक्टली बताइए इट्स लाइक ए सी जेड एस सी जेड इज ओपन फॉर एनी वर्क बट ई यू में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग होगा गुड्स बनेगा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में सिर्फ सॉफ्टवेयर बेस्ड काम चलेगा आर यू अंडरस्टैंडिंग सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपनीज रहेगी तो ऐसा उसका है बट सारा काम हो रहा है तो उसको बोलते हैं एससी सेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो गवर्नमेंट कई सॉफ्टवेयर क्लस्टर बनाना चाह रहा है कहां पर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाह रहा है तो वो सारे लोग ऑब्वियसली हंड्रेड परसेंट एक्सपोर्ट पे ध्यान देंगे वो सारे लोग किस पे ध्यान देंगे हंड्रेड परसेंट एक्सपोर्ट पे ध्यान देंगे हो सकता है एससी सेड एक्सपोर्ट भी कर रहा है और यू नो डी में भी बेच रहा है बट ये डेडिकेटेडली ये सारी कंपनीज यहां पर जितना भी एरिया में लोकेटेड है ई एच टी पी में लोकेटेड है एस टी पी बी टी पी ई यू में लोकेटेड है ये सारे लोग हंड्रेड परसेंट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं आर यू गेटिंग दिस तो इनके ऊपर तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को बात करनी ही पड़ेगी वेरी क्लियर गाइस क्योंकि एस सी जेड के लिए अलग से एक्ट है कर बात बट इनके लिए सेपरेट एक्ट तो नहीं है बट इनका रेफरेंस है एफ टी के अंदर करेक्ट गाइस तो ये जो जितने भी कंपनीज हैं जो भी ई यू में लोकेटेड है या ई एस टी पी एस टी पी बी टी पी में लोकेटेड है तो गाइस मेरा भरोसा मानना मेनी सी एस प्रैक्टिस लाइक सॉफ्टवेयर कंपनीज़ है उन्होंने सॉफ्टवेयर में एस टी पी में लोकेटेड है तो बहुत सारी गवर्नमेंट की स्टैंड ड्यूटी एग्जाम होती है तो वो जाके स्टैंप ड्यूटी रिफंड लेकर आता है ये काम करते हैं सारा तो गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स और योजनाएं इनको स्पेसिफिकली एप्लीकेबल है और इसीलिए ये लोग के लिए एम .E स्कीम और एस .E स्कीम एप्लीकेबल नहीं है इनफैक्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ ईओयू, ईएसटीपी, यू ई एस टी बी टी ये लोग अगर सेकेंड हैंड मशीनरी भी इम्पोर्ट करें तो सेकेंड हैंड मशीनरी पर भी ज़ीरो कस्टम ड्यूटी है नॉर्मल कंपनीज को सेकेंड हैंड मशीनरी पर ईपीसीजी स्कीम मिलता ही नहीं है बट इनके लिए स्पेसिफिकली सेकेंड हैंड मशीन पर भी इनको जीरो कस्टम ड्यूटी चार्ज किया जाएगा इज दैट वेरी वेरी क्लियर गाइस समझ आए मेरी बात तो लेट अस कम टू द डिस्कशन वन बाय वन शांति से करोगे 25 मिनट्स टू 30 मिनट्स में बहुत अच्छे से होगा ठीक है ना भाई तो इतना एफर्ट डाला है पूरा चैप्टर एक अच्छे से पैलप होता है ठीक है ना गाइस तो आपने से होमवर्क में ऑब्जेक्टिव ऑफ एफ पॉलिसीज करेक्ट बात एंड वॉट इज द मिशन एंड द बैकग्राउंड ऑफ दी एफ टी पी पॉलिसी बस इतना ही देखना है बाकी आपको लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है डेफिनेटली मतलब यह देखो यह देखो क्या लिखा है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स करेक्ट बात उसके बाद क्या लिखा है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बायो टेक्नोलॉजी पार्क एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क सबसे पहले सेकेंड हैंड गुड्स सेकेंड हैंड गुड्स विदाउट एनी एज लिमिट 20 साल 25 साल कितना भी पुराना होने दो मे बी इंपोर्टेड ड्यूटी फ्री आर यू गेटिंग दिस बट मेनी कंपनीज बिलीव इन लीजिंग रेंट पे लाना बड़े बड़े कंपनीज प्रॉपर्टी लीज पे लेते हैं मशीनरी लीज पे लेते हैं तो अगर इन्होंने मशीनरी भी लीज पे लिया तो हम इनके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट रखेंगे करेक्ट बात इन्होंने खरीद लिया तो टैक्स बेनिफिट तो है सेकेंड हैंड खरीदा तो भी टैक्स बेनिफिट है बट इफ दे आर गेटिंग द मशीनरी विच इज देयर ऑन लीजिंग बेसिस ये लोग विदाउट पेमेंट ऑफ एनी कस्टम ड्यूटी ये लोग लाएंगे सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन सर कंडीशन नंबर वन करेक्ट बात सबसे पहले देखो यहां पे एक तो सबसे पहले यहां पर क्या लिखा है लीज ऑफ मशीन जीरो कस्टम ड्यूटी और सेकेंड यहां पे लिखा है सेल एंड लीज बैक सेल एंड लीज बैक एक टर्म है समझना मेरी बात सबो एग्जाम्पल है कि कोई कंपनी है जिसका तीन करोड़ की मशीनरी पड़ी है एग्जाम्पल तीन करोड़ की मशीनरी उनको पैसे चाहिए तो उन्होंने वो मशीनरी कोई यूएस कंपनी को बेचा और वो यूएस कंपनी लीजिंग बिजनेस में मशीन खरीद के लीज पे देता है तो उनको ही बेचकर उनसे रेंट पे लिया मतलब सेलिंग द प्रॉपर्टी एंड स्टेइंग ऑन रेंट फंडिंग के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं बिजनेस करना है घर बेच देते हैं और उसी घर में भाड़े पे रहते हैं परिवार को बताते भी नहीं नेम प्लेट वही रहना चाहिए आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस तो मैंने ऐसे क्लाइंट्स देखे हैं कि उनके घर वाले रिस्क लेने से डरते हैं तो उन्होंने अपना घर एमओ साइन करके बेच दिया है उसका रजिस्टर्ड नहीं किया है और उन्होंने वही घर रेंट पर लिया है और वो ओनर को रेंट दे रहे हैं और ओनर इंटरेस्टेड है इन्वेस्टमेंट करके रेंट कमाने में करेक्ट बात तो इसको बोलते हैं सेल एंड लीज बैक तो अगर आपने सेल किया है फॉरेन एंटिटी को और लीज बैक किया है इसमें भी जीरो कस्टम ड्यूटी चार्ज होगा बट इट इज सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन सबसे पहले आपने मशीनरी को मूव ही नहीं किया फ्रॉम द इंडिया इंडिया के बाहर मशीन गया ही नहीं सिर्फ पेपर पे नाम बदला करेक्ट पेपर पे नाम बदला पोजेशन आपके पास ही है दूसरा आपने क्या किया है कस्टम्स ऑफिसर को इसके बारे में पूरी जानकारी दी है करेक्ट बात तीसरा आपको समझना है कि यूनिट्स शुड हैव नेट फॉरेन एक्सचेंज पॉजिटिव एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट या इनफ्लो माइनस आउटफ्लो पॉजिटिव फॉरेन एक्सचेंज है तो ही हम इनको जीरो कस्टम ड्यूटी चार्ज करेंगे तो एक मिनट जितने भी लोग ई यू ई एस टी पी एस टी पी बी टी पी में और ये सेकेंड हैंड मशीनरी खरीद रहे क्या कोई कस्टम ड्यूटी है नहीं है ये मशीनरी लीज पे ले रहे क्या कोई कस्टम ड्यूटी भरनी है नहीं है सर ये सेल एंड लीज बैक कर रहे तो भी इनको जीरो कस्टम ड्यूटी पे करना है बट इट इज सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन इसके बारे में आपने परमिशन किससे लिया है डेप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स आपकी मशीन का लोकेशन बदला नहीं है और आपका नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है तो उस केस में और आपने कोई भी वायलेशन ऑफ लॉ नहीं किया है तो उस केस में आपको हम जीरो कस्टम ड्यूटी पर अलाउ करेंगे वेरी वेरी क्लियर गेस उसके बाद जितने भी लोग ई ओ यू ई एस टी बी बी टी पी है यहाँ पर फोकस यहाँ पर चारों पर है इन लोगों को नेट फॉरेन एक्सचेंज प्रूफ करना पड़ेगा बट इनको एवरी ईयर नहीं प्रूफ करना है इन द ब्लॉक ऑफ फाइव ईयर्स पाँच पाँच साल में इनफ्लो आउट देखो पहले तीन साल लॉस होगा शायद प्रोडक्ट बनेगा सैम्पलिंग होगा भेजेंगे फिर इनको पहले मशीनरी आया फिर इनको मशीनरी में बनाकर गुड्स बनाकर बेचना है तो पहले मशीनरी आया दो तीन साल तो यू नो आउटफ्लो आउटफ्लो ही है फिर एक्सपोर्ट चालू हुआ तो इनफ्लो होना चालू हुआ अरे कैपिटल बजटिंग इनफ्लो आउटफ्लो तो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो शुड बी नेट फॉरेन एक्सचेंज शुड बी पॉजिटिव बट इट शुड बी पॉजिटिव एवरी ईयर और इन द ब्लॉक ऑफ फाइव ईयर्स ब्लॉक ऑफ फाइव ईयर्स तो यहां पर इनको बोला देखो क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव ब्लॉक ऑफ फाइवर्स करेक्ट बात दे शुड प्रूव वॉट नेट फॉर एक्सचेंज अर्निंग शल बी कैलकुलेटेड इन द ब्लॉक ऑफ फाइवर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोडक्शन वेरी वेरी क्लियर गाइस एंड अगर अगर फर्दर अनेबल टू अचीव दिस दे शुड एडवर्स मार्केट कंडीशन कि पैंडमिक आ गया कोविड आ गया तो जिससे उनका एक्सपोर्ट बंद हो गया अब हमने मशीन इंपोर्ट करी आउटफ्लो हो गया अब मशीन इंपोर्ट करते ही पैंडमिक होकर तीन साल एक्सपोर्ट बंद हो गया तो ये लोगों को एडवर्स सिचुएशन में एक्सटेंशन दिया जाएगा अप टू वन ईयर और ये कौन देगा बोर्ड ऑफ अप्रूवल रिपीटिंग अगेन करेक्ट रिपीटिंग अगेन पहला सबसे पहले पॉइंट वन सेकेंड हैंड मशीन इंपोर्ट करने पे कोई भी कस्टम ड्यूटी पे नहीं करना है मशीन लीज पे लाया तो भी कस्टम ड्यूटी पे नहीं करना है सब मशीन बेच के रेंट पे लिया है तो भी कस्टम ड्यूटी पे नहीं करना है But it is subject to terms and condition Permission is obtained from the customs commissioner. Second, machine location is not changed. Third, net foreign exchange earning is positive, and you have not violated the customs and other act. कदम हो गया। उसके बाद हर EOU, EHTP, BTP, STP को पांच-पांच साल के ब्लॉक में खुद को net foreign exchange earning positive proof करना है। सर कुछ hardship है, pandemic है। उस केस में इनको extension एक साल का मिल जाएगा। Is that very very clear, guys? अरे यस और नो yeah. करेक्ट बात इसके बाद जिसको भी ई यू सेटअप करना है जिसको भी ई यू सेटअप करना है मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज रुपीज वन सी सीयर करेक्ट बात बट अगर कोई भी हैंडीक्राफ्ट एग्रीकल्चर फ्लोरिकल्चर एक्वाकल्चर एनिमल हजबेंड्री आई टी कंपनीज ब्रास हार्डवेयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन लोगों को मिनिमम वन करोड़ का इन्वेस्टमेंट अप्लाई नहीं करेगा वेरी क्लियर गाइस बट जनरली ईओयू अगर आपको खुद को ईओयू डिक्लेयर करवाना है तो आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी शुड बी भी बन सीआर चेक कर लो देखो 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 अरे देखो 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 देखो, 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 देखो। एफटी बी पे एग्जाम में क्वेश्चन आना ही चाहिए का था। आना चाहिए ना अरे आना चाहिए यार इतनी मेहनत डाल रहे तो आना चाहिए जो दुआ ही करेंगे अपने हाथ में नहीं है वैसा तो कुछ कोई भरोसा नहीं है। काश में बोर्ड ऑफ स्टडीज में रहता शु, शु। मेरी फीस में चार गुना रखता है यार कोई टेंशन ही नहीं है ना और आप दे भी दोगे नहीं नहीं देंगे छोड़ो भाई ये अश्विनी है ना सही में ना ठीक है सो so अब गाइस देखो ये समझना मेरी बात यहां पे देखिए सबसे पहले सुनना मेरी बात सबसे पहले यहां पर किसी को भी ईओ सेटअप करना है इतने बड़ा प्लान डालना है सबसे पहले आप लोगे कंसेंट ये यह देखना यहाँ पर देखना लेटर ऑफ इंटेंट लेटर ऑफ इंटेंट मतलब परमिशन कि हम ऐसा फैक्ट्री बनाने जा रहे हैं और हमें ई घोषित करो आपको दो साल का समय दिया जाएगा फैक्ट्री बनाने के लिए एक बार फैक्ट्री रेडी हो गई एज पर द गवर्नमेंट डायरेक्शन अब आपको परमिशन दिया जाएगा कि यू कैन कमेंस प्रोडक्शन फॉर हाउ मेनी ईयर्स फाइव ईयर्स पहले दो साल में फैक्ट्री सेटअप करने का लाइसेंस मिलेगा इसको बोलते हैं एल ओ आई पता चला पूरा प्लांट डाला और आपको ई ओ यू मिला ही नहीं तो फिर फायदा नहीं होगा ना तो आप गवर्नमेंट को बोलेंगे हे गवर्नमेंट हे डी सी हे बोर्ड ऑफ अप्रूवल देखो मैं ई ओ यू सेटअप करने जा रहा हूँ मुझे एल ओ आई दो तो गवर्नमेंट देगा लेटर ऑफ इंटेंशन इरादा बताना करेक्ट बात दैट इज कॉल एज लेटर ऑफ इंटेंट गवर्नमेंट बोलेगा ओके okay, हम तुम्हें परमिशन देंगे बट फैक्ट्री बनाते समय चार बातें ध्यान में रखना अब आपने गवर्नमेंट डायरेक्शन पे फैक्ट्री बना ली दो साल का परमिशन कुछ जेनुन रीजन है तो आपको और एक दो साल का एक्सटेंशन मिल सकता है एक्सटेंशन ऑफ वन ईयर विल बी गिवेन वेरी क्लियर गाइस तो दो साल प्लस वन ईयर अब आपने फैक्ट्री सेटअप कर लिया है अब आपको लाइसेंस मिलेगा फॉर हाउ मेनी ईयर्स फाइव ईयर्स उ मेनी ईयर्स फाइव इस तो ये हो गया लेटर ऑफ परमिशन लेटर ऑफ इंटेट वेरी क्लियर गाइस ये सो नो अरे ये नो सर ईओयू का लाइसेंस देगा कौन यज्ञ yes. देगा ईओ yes. यू uh -huh. का लाइसेंस देगा कौन रे बाबा बताओ अरे बताओ रे बाबा याद देखो एप्लीकेशन फॉर सेटिंग अपनेट्स ऑफ ईओ यू अप्रूव और रिजेक्ट बाय यूनिट्स अप्रूवल कमेटी सुनना प्लीज मेरी बात बट जहां पर भी आपका ये देखो 50 करोड़ के ऊपर है करेक्ट बात 50 करोड़ के ऊपर है द डिसीजन विल बी इन फ्रंट ऑफ बोर्ड ऑफ अप्रूवल जनरली एक यूनिट अप्रूवल कमेटी हमने स्थापित किया है वो लोग आपको ईओयू का लाइसेंस देंगे और अगर जहां पर भी 50 करोड़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स है एक करोड़ तो सबके लिए वन सीयर तो सबके लिए ना तो जिसका भी इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ के ऊपर है उन लोगों का डिसीजन लेगा बोर्ड ऑफ अप्रूवल वेरी वेरी क्लियर गाइस आते, आते हैं दो मिनट ब्रेक में एक मिनट जितना ईओयू में पढ़ा पहले एक बार ब्रशअप कर दे दो मिनट मुझे बताओ सेकंड हैंड मशीन कस्टम ड्यूटी नो कस्टम ड्यूटी करेंट बात ईओ इज हंड्रेड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट करेट बात सर लीजिंग ऑफ मशीन नो जीरो कस्टम ड्यूटी सर सेल एंड लीज बैक जीरो कस्टम ड्यूटी टर्म्स एंड कंडीशन परमिशन टेकन फ्रॉम कस्टम्स कस्टम्स कमिश्नर करेक्ट बात सेकेंड मशीन लोकेशन इज नॉट चेंज करेक्ट बात नेट फॉर एक्सचेंज अर्निंग एंड दे यू आर नॉट कॉन्ट्रमिट एनी ऑफ दी लॉ ये पढ़ा आपने इसके बाद नेट फॉर एक्सचेंज अर्निंग कितना प्रूफ करना है इन द ब्लॉक ऑफ फाइव इयर्स करेट बात सर हार्डशिप केस में एक साल का एक्सटेंशन एक साल का एक्सटेंशन सर लेटर ऑफ परमिशन के पहले फैक्ट्री सेटअप करने के लिए टू इयर्स एक्सटेंशन वन ईयर वंस द फैक्ट्री सेटअप लाइसेंसेस लाइसेंस इज फॉर फाइव इयर्स उसके बाद में इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया मिनिमम वन सीयर बट कुछ एग्रीकल्चर वगैरह के लिए वन सीयर का इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है सर परमिशन कौन देगा अप्रूवल कमेटी पर इन्वेस्टमेंट इज अबाउ फिफ्टी सी आर बोर्ड ऑफ अप्रूवल वेरी वेरी क्लियर इस अरे हाँ या ना अब क्या ईओ यूच टीपी एस टी पी बीटीपी क्या ड्यूटी फ्री शॉप्स एयरपोर्ट पे डाल सकता है आप एयरपोर्ट पे बहुत सारे कंपनीज के आउटलेट देखते हो क्या ये कहीं ना कहीं एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर सकता है यस yes. क्या ये रिटेल आउटलेट ओपन कर सकता है यस। yes. और क्या ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे शोरूम ओपन कर सकता है यस। yes. तो इन लोग को डायरेक्ट परमिशन ऑलरेडी दे दी है करेक्ट बात देखो क्या लिखा है एक्सपोर्ट गुड्स फॉर एनी एग्जिबिशंस विद द परमिशन ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर आपने एग्जिबिशन में पार्टिसिपेट करना है आपने डी सी की परमिशन ली है आपको हम एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने देंगे यू कैन ऑल्सो डिस्प्ले इन द शॉप सेटअप अब्रॉड आपकी गुड्स का सैम्पलिंग बाहर आप डिस्प्ले कर सकते हो प्लस यू कैन ऑल्सो ओपन अ शोरूम एट दी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स एंड यू आर ऑल्सो अलाउड टू डिस्प्ले अब्रॉड ऑन द शोरूम्स थ्रू द एनी डिस्ट्रीब्यूटर ये आपको डीम्ड परमिशन है किसको परमिशन है ईओ यूएसटी पी बीटीपी एस टी पी इन लोग को ये परमिशन दी गई है इज दैट वेरी क्लियर दो मिनट शांति से रीड कर रहे हैं गाई नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बढ़ा रहा है अरे तो पसीने आ रहे हैं मेरे को बात करते इधर इधर दीवार पे ऐसे टंगने गए उसकी आंखें देखो आके देखो हालत खराब हो गई क्या अरे जनरली चेक करो ये आ रहा है क्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे शोरूम डालना आपका अलाउड है करेक्ट बात आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आपके शॉप्स में इंटरनेशनल मार्केट में डिस्प्ले कर सकते हो आप बेसिकली कुछ परमिटेड शॉप्स है वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो आप खुद एग्जीबिशन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं तब जाकर आपके गुड्स का मार्केटिंग होगा दैट्स वेरी वेरी क्लियर गाइज येस और नो करेक्ट बात सर पर्सनल गैरेज पर्सनल यूज़ के लिए आप गुड्स लेकर जा रहे हो आ रहे जा रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें जो है ना कस्टम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा बाकी कोई दिक्कत नहीं है सर कैन यू सेंड गुड्स थ्रू पोस्ट और कुरियर येस बट उसके लिए फॉरन पोस्ट ऑफिस और थ्रू एनी प्रॉपर कस्टम प्रोसीजर्स जो आपने ऑलरेडी ई कॉमर्स के केस में देखा था सर सिक इंडस्ट्रीज हैं अरे सुनो यार सुनो मेरी बात सुनो सुनो तुम लोग आधा डाइवर्टेड तुम्हारा ध्यान ही इधर उधर है सुनो मेरी बात हाँ कुछ तो नहीं है ऐसा ब्रेक में तुमको कुछ तो ऐसा कुछ सुनो मेरी बात क्या बोले चलो सुनो 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 सुनो।, शु, 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 सुनो अब मैं क्या बोल रहा हूं याद देखो सबसे पहले सुनना मेरी बात प्लीज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट थ्रू पोस्ट और कुरियर अलाउड और नॉट अलाउड अलाउड ईओयू वगैरह ये सब चीज कर सकते हो ओनली थ्रू फॉरेन पोस्ट ऑफिस एज पर द कस्टम्स प्रोसीजर एज पर द कस्टम्स प्रोसीजर्स वेरी वेरी क्लियर गाइस कैन दे सेटअप वेयरहाउस बड़े बड़े एक्सपोर्ट करने वाले ये वेरहाउस इंडिया के बाहर सेटअप करना चाहते हैं याद आ रहा है हल्दीराम का एग्जाम्पल अगर हल्दीराम ने एक प्लान डाला ओनली फॉर एक्सपोर्ट पर्पस वहां से गुड्स बना और यूके के वेयर रखा तो क्या वो वहां वेयरहाउस सेटअप कर सकते हैं टू द लीड टाइम याद लीड टाइम मटीरियल चैप्टर करेक्ट बात लीड टाइम आपका समय ऑफ ट्रांसपोर्ट कम होने के लिए आपने गुड्स इंडिया के बाहर रखा तो ये आपको अलाउड है सब्जेक्ट टू दी वेउस इज दैट वेरी वेरी क्लियर गाइज ऑलसो बायोटेक्नोलॉजी पार्क सेटअप कौन करेगा बी टी पी सेटअप कौन करेगा बी टीपी का परमिशन कौन देगा देखो यहां पर नोटिफाइड बाय डीजीएफ टी बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एक मिनट अभी तक हम किसकी बात करें थे ई ओ यू अभी वो ईयू का परमिशन कौन देता है Units of approval. और उसके बाद में डी जी एफ टी इन कंसल्टेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सेम ई एस टी पी एस टीपी कौन अप्रूव करता है यहां पे बताइए परमिशन अंडर दिस चैप्टर विल बी ग्रांटेड बाय ऑफिसर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टेड ऑफ डी सी एंड इंटर मिनिस्ट्रियल स्टैंडिंग कमिटी इंस्टेड ऑफ बोर्ड ऑफ अप्रूवल तो यहाँ के लोग डिपार्टमेंट अलग अलग है एक सेकेंड मुझे बताओ ई ओ यू कौन अप्रूव करेगा यूनिट अप्रूवल कमेटी और बी ओ ए बोर्ड ऑफ अप्रूवल वेरी क्लियर बायो पार्क कौन अप्रूव करेगा दैट इज डीजीएफटी बेस्ड ऑन द सजेशन गिवन बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी और ई एस टी पी एस टी पी अलग अलग काम है बहुत सारे करेक्ट बात इनमें कौन से कौन से डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है ऑफिसर बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टेड ऑफ डी सी और इंटरमिनिस्ट्रियल स्टैंडिंग कमिटी इंस्टेड ऑफ बोर्ड ऑफ अप्रूवल ये मिनिस्ट्री के अंदर जो डिपार्टमेंट है उसका ऑफिसर और इंटर मिनिस्ट्रियल स्टैंडिंग कमेटी इंस्टेड बोर्ड ऑफ अप्रूवल समझो मेरी बात मैं रिपीट कर रहा हूं कौन सी मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसके नीचे कौन सा डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसका ऑफिसर वो किसकी जगह पर आएगा डीसी कर डेवलपमेंट कमिश्नर ये अप्रूवल देगा और हायर परमिशन देनी है तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल की जगह पर कौन आएगा इंटर मिनिस्ट्रियल स्टैंडिंग कमेटी वेरी क्लियर गाइस तो ईओयू कौन सेटअप करता है यूनिट अप्रूवल कमेटी और 50 करोड़ अबाव बोर्ड ऑफ अप्रूवल करेक्ट बीटीबी कौन सेटअप करता है डीजीएफटी इन कंसल्टेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सर ई और ई और एस कौन सेटअप करता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ऑफिसर जो डेसिग्नेटेड है इन प्लेस ऑफ डीसी डेवलपमेंट कमिश्नर एंड बोर्ड ऑफ अप्रूवल की जगह पर कौन आएगा इंटर मिनिस्ट्रियल स्टैंडिंग कमेटी वेरी वेरी क्लियर गाइस अच्छा कोई भी अगर ई एस टी पी एस टी पी बी टी पी में सिक इंडस्ट्री हो जाता है इसको लेकर कौन डिसीजन लेगा बोर्ड ऑफ इसमें बी आई एफ आर का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहे वेरी वेरी क्लियर है करेक्ट बात तो ये देखो एक बार पोस्ट कुरियर सिक इंडस्ट्रीज ई एस टी पी बीटीपी देखो ओरडा उड़ी करू ना कहा अभ्यास करा ओरडा उड़ी कुछ तो चिल्ला चिल्ली कर रहे है ना है अब इसमें मैं तीन पैराग्राफ और ले रहा हूं सुनना मेरी बात सब कॉन्ट्रैक्टिंग अनयूटिलाइज मटीरियल मॉनिटरिंग ये तीन पैराग्राफ लूंगा फिर मैं पॉज लूंगा ठीक है ना बात? मतलब परमानेंट पॉज भगवान जान में जिंदगी में कितना रोना पड़ रहा है यार अब ये देखो सुनो मेरी बात नहीं नहीं झगड़ा नहीं कर रहे सुनो, 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 सुनो मेरी बात सबसे पहले कोई भी ईओयू परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है

हाँ सर उधर पढ़ा बोले करेक्ट अभी तो पढ़ा अपने करेक्ट रिपीटिंग अगेन ई ओ यू ई एस टी पी बी टी पी कब आप ई टी में आए थे क्या सोचा था और क्या हो रहा है आप कैसा सोचा था कितनी आसान जिंदगी है करेक्ट बात ये बच्चों को तो मैं देखा था करेक्ट बात छोटे मोटे ये बेचारे आए थे करेक्ट बात सोचा मस्त जिंदगी चल रही है बट एग्जीक्यूटिव में समझ गया भाई करेक्ट बात तो देखो रिपीटिंग अगेन ईओ ESTP, BTP और STP करेक्ट है बात कितने शांत है बच्चे यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूं तू रेंदे करेक्ट तो माय पॉइंट ऑफ व्यू इज इनका परफॉर्मेंस कौन रिव्यू करेगा यूनिट्स अप्रूवल कमेट सर कैन यू कन्वर्ट डी टी ए इंटू ईयू ई एस टी पी बी टी पी यस आपको इसके लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा ऑलरेडी आप लोकल मार्केट में हो अभी आप एक्सपोर्ट मार्केट में आना चाह रहे हो आपको ईओयू घोषित करवाना है आप एप्लीकेशन दे सकते हो सर कैन यू कन्वर्ट ईएचटीपी और एसटीपी इनटू ईओयू यस सीधी बात है आपके सारे एग्जेंप्शंस और टैक्सेस आपको मिलने वाले हैं। रिपीट अगेन मॉनिटरिंग कौन करेगा यूनिट्स अप्रूवल कमेटी कन्वर्जन ऑफ एक्जिस्टिंग डी टी है डोमेस्टिक टेरिफ एरिया नवी पेट अपन इंदुलाल पे बैठे हैं नीचे वाला चॉकलेट बेच रहा है ये स्टेशनरी वाला कौन है डी टी है अब ये एक्सपोर्ट करके चॉकलेट एक्सपोर्ट करेगा तो ये क्या बनेगा ईओ यू है तो क्या नीचे वाला स्टेशनरी वाला ईओ यू घोषित हो सकता है येस yes. वो ट्रेडिंग नहीं मैन्युफैक्चरिंग यू अंडरस्टैंडिंग स्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट तो क्या वो खुद को ईओ घोषित करा सकता yes, EOU, ESTP, ESTP, Sir, ESTP, ESTP, EOU है यस ईओयूएसटी पी एस टीपी बी सर एग्जिस्टिंग ई एस टी पी एस अब ईओयू बनना चाहते हैं अलाउड और नॉट अलाउड अलाउड सारे टैक्स बेनिफिट्स और एग्जाम्शन वही के वही रहेंगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इज दैट वेरी वेरी क्लियर गाइज रीड करोटेड डा ना ना तू गाय रिद्धि के लिए आ प्लीज जोर से जल्दी आओ फिर चार पैराग्राफ में यू यू कर लूंगा जल्दी जल्दी आज उससे मैं गवा लूंगा वो मेरी गारंटी सुन मेरी बात सर्विस का टेंशन मत ले अरे दो मिनट दो मिनट झगड़ा होगा मेरे को ब्रेक मिला सुँगे? नहीं नहीं ऐसा तेरे पे बत, तेरी कंप्लेंट करी उसने मैं को बहुत बुरा लगा ऐसे कैसे तू फोन यूज कर रहा है ऐसा सर में डायरेक्ट तेरे बारे में बोल दिया ये फोन पे बात कर रहा देखो चलते लेक्चर में शे? नहीं तुझे नहीं गाना है ऐसा मैं बोल रहा ना सच में तू फोन पे बात कर रहा था क्या बोला बता बता क्या सुना तुम्हें इशू है कुछ तो रहने दे उसका प्रॉब्लम है आप तो क्या करना है तू गाना गा देख अरे तेजस माय प्लेजर तेजस ऑनलाइन में से चलो चलो गाइस एंड एंड का पार्ट पे कम ऑन यो सुनो मेरी बात सबसे पहले गाइस सुनो सुनो सुन रे सन सर अब एक पांच मिनट दो मेरे को सुनो सर सबसे पहले सुना मेरी बात अगर कोई भी चीज अनयूटिलाइज हो गई मैन्युफैक्चर ईओयू ने गुड्स मैन्युफैक्चर किया और गुड्स सुनो 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 ईओयू ने गुड्स मैन्युफैक्चर किया और गुड्स बच गया रॉ मटेरियल बच गया आपने इंपोर्ट किया आपने गुड्स मैन्युफैक्चर किया बट गुड्स बेचे नहीं बच गया तो उसको लेकर सेल ऑफ अनयूटिलाइज्ड मटेरियल क्या बोला गया सबसे पहले अगर ई कोई भी गुड्स अनयूटिलाइज करता है भले वो गुड्स इंपोर्ट किया या प्रोक्योर किया तो उस पर टैक्स बेनिफिट लिया उसने डी से प्रोक्योर किया या बाहर से इंपोर्ट किया और अभी वो गुड्स क्या कर रहा है यूटिलाइज नहीं कर रहा है उस केस में कैन ई ट्रांसफर टू एनी अदर ई ओ यू ई एच टीपी एस टी पी बी टी पी येस कैन ई डिस्पोज टू डी टी ए यस बट उसको क्या पे करना पड़ेगा कस्टम ड्यूटी और कैन ई एक्सपोर्टेड येस क्लियर कट बात है सच ट्रांसफर टू अनदर यूनिट वुड बी ट्रीटेड एज इंपोर्ट फॉर द रिसीविंग यूनिट मतलब एक कंपनी ईओयू में उसने पुणे से गुड्स खरीदा डीटीए से खरीदा तो टैक्स पे नहीं किया कई बात अब उसने लाकर दूसरे ईओयू को दिया चलेगा कि नहीं चलेगा चलेगा उसने एक्सपोर्ट किया चलेगा बट वॉपर टी को बेचा उस केस में आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी सर कैपिटल गुड्स ऑप्सुलिट हो गए खराब हो गए आउटडेटेड हो गए डिप्रिसिएशन करेक्ट बात तो वो आउटडेटेड हो गए जो उन्हें मशीनरी खरीदी थी वो खराब हो गई चलने रही है ऑप्सुलिट हो गई तो वो मशीनरी को आपको डिस्कार्ड करना है वो मशीनरी को आपको डी से आपको ईओयू से निकालना है उस केस में मेरी बात मानना ये देखो कैपिटल गुड्स एंड स्पेयर पार्ट बिकम ऑप्सुलिट मे बी इधर एक्सपोर्टेड और ट्रांसफर टू अनदर और ट्रांसफर टू डी टी एम अगर डीटीए को बेचेंगे तो आपको क्या पे करना पड़ेगा पेमेंट ऑफ कस्टम्स ड्यूटीज वेरी वेरी क्लियर गाइस सर अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वेस्टेज में फैब्रिक बच गया वो फैब्रिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या बच गया फैब्रिक बच गया तो वो फैब्रिक अप टू टू परसेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है आप उसको डम कर सकते हो बेच सकते हो टू परसेंट से ज्यादा है जो भी मैन्युफैक्चरिंग है आपका एक्सपोर्ट का वैल्यू उसका टू परसेंट हम समझ सकते हैं लॉस है, है. फैब्रिक कटिंग वटिंग में वेस्ट होता ना और वो आपने बेचा या आपने कुछ किया कोई दिक्कत नहीं है टू परसेंट तक आपको कोई भी कस्टम ड्यूटी पे नहीं करना है सर टू परसेंट मतलब जितना भी एक्सपोर्ट किया उसका टू परसेंट एंड अगर आपका पैकिंग मटेरियल बच गया रैपर एक्सेट्रा कभी कभी ब्रांडिंग बदला आपने मैन्युफैक्चरिंग डेट डाला वो वेस्ट हो गया पैकिंग मटीरियल बच गया वो आप अलाउड है ऑन पेमेंट ऑफ एनी कस्टम ड्यूटी तो चार बातें अनयूटिलाइज मटीरियल रॉ मटीरियल अनयूटिलाइज कैपिटल गुड्स अनयूटिलाइज टेक्सटाइल में वेस्ट ओवर फैब्रिक्स एंड पैकिंग मटेरियल चार बातें चल रही है। अगर आपने कोई भी डी से गुड्स लिया या इम्पोर्ट करके गुड्स लिया तो क्या आप एक्सपोर्ट कर सकते हो यस yes. क्या आप दूसरे ईओ यू ई एस टी पी एस टी पी बी टी पी को दे सकते हैं yes. यस और अगर आपने डी को दिया उस केस में मेरी बात मानना उस केस में कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी वेरी वेरी क्लियर है सुनो सुनो मेरी बात सुनो सुनो वापस से रिपीट करो अनयूटिलाइज मटेरियल चार है गाइस देखो तो पांच से दस मिनट एकदम सुनो अनयूटिलाइज मटेरियल के चार प्रोविजन है कैपिटल गुड्स रॉ मटेरियल लेफ्ट ओवर फैब्रिक्स पैकिंग मटेरियल पैकिंग मटेरियल आपने बेच दिया कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी लेफ्ट ओवर फैब्रिक बच गया वो टू परसेंट तक बचा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे ज्यादा बचा है तो कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी कैपिटल गुड्स ऑप्सुलिट हो गया किसी और डीटीए को बेचा कस्टम ड्यूटी पे नहीं करना है एक्सपोर्ट किया कस्टम ड्यूटी पे नहीं करना है डीटीए को बेचा कस्टम ड्यूटी पे करना है रॉ मटेरियल आपने लाया था आपने दूसरे ईओयू को दिया चलेगा एक्सपोर्ट किया चलेगा डी को बेचा तो आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी लास्ट पैराग्राफ इज सब कॉन्ट्रैक्टिंग सब कॉन्ट्रैक्टिंग वर्ट इज सब कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग सब कॉन्ट्रैक्टिंग बताइए सब कॉन्ट्रैक्टिंग क्या है हाँ बोलो सब कॉन्ट्रैक्टिंग क्या है बोलो दे दे मतलब सीधी बात है काम दूसरों से करवा कर लेना दैट इज कॉल्ड एज सब कॉन्ट्रैक्ट क्या ईओयू यू सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर सकता है यस yes. yes. क्या डी से भी गुड्स बनवा सकता है यस yes. तो उसको लेकर यहां बोला है देखो यहाँ पे ईओयू ईएसटीपी एसटीपी एस इंक्लूडिंग जेम्स ज्वेलरी ऑन एनुअल परमिशन बेसिस सब कॉन्ट्रैक्ट द प्रोसेस टू डीटीए थ्रू जॉब वर्क विच में इन्वॉल्व द फॉर्म ऑफ नेचर ऑफ गुड्स अरे लोकल ज्वेलरी से काम करवा के लेना ज्वेलरी बना कर लेना करेक्ट बात बट मे सब कॉन्ट्रैक्ट अप टू फिफ्टी परसेंट ओनली आप दूसरों से डीटीए से गुड्स बनवा सकते हो बट आपको मैक्सिमम कितना सब कॉन्ट्रैक्टिंग करना है 50 परसेंट ओनली आप एनुअल परमिशन ले कर रखिए तो आपको ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग अलाउ हम करेंगे इज एट वेरी वेरी क्लियर देखो यहां पर और एक बोला है जेम्स एंड ज्वेलरी सब कॉन्ट्रैक्टिंग एक्शन जेम्स एंड ज्वेलरी बाय ई यू थ्रू अनदर ई यू दिस दिस शल बी सब्जेक्ट टू द हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर एक कंपनी दूसरे कंपनी को काम दे रही है अरे बड़े बड़े टी वगैरह सॉफ्टवेयर कंपनी क्या करती है छोटा मोटा सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर कंपनी से बनवा के लेती है और फिर वो हेल्प करते सब कॉन्ट्रैक्टिंग तो अगर एक ई यू दूसरे ई यू से काम करवा रहा है उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है देर इज सर्टन गाइडलाइंस विच इज़ प्रोवाइडेड इन हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स एनी स्क्रैप बेस्ड जनरेटेड टू जॉब वर्क मे बी इधर क्लियर बाय द जॉब वर्क प्रेमाइसिस ऑन पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी आपने गोल्ड की प्रोसेसिंग करी थोड़ा सा बच गया वो जो वेस्ट मटेरियल है उस पर आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी क्योंकि आपने कहाँ से काम करवाया डी टी है तो वेस्ट कहाँ पे डिस्पोज हुआ है डी टी है तो उस पर टैक्सेस पे करना पड़े तो इसमें कुछ कुछ पैराग्राफ है जो आपको जस्ट रीड आउट करना है बाकी मैंने मेजरली नाइन्टी परसेंट कंप्लीट किया है वेरी ऑनेस्ट तो नहीं नहीं सर वेरी बात नहीं मैं जनरली बोल रहा हूँ थोड़ा सा आपको रीड करना पड़ेगा मैंने एक बार पूरा ब्रश अप करके दिया टॉपिक दैट इज़ अ मेन थिंग मैंने ये नहीं बोला कि लर्न कराया बट मैंने बताया कि कौन सी चीज़ में क्या है तो आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी अभी के लिए इतना गाइस फिर मिलेंगे चलते चल आई मीन फिर कल कल, कल के लेक्चर में मिलेंगे थैंक्स अलॉट गाइस बाय बाय टेक केयर शबा केयर मिलते रहो लड़ते रहो पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो थैंक यू बाय बाय टेक केयर ठीक है यस ऑनलाइन जनता थैंक्स सुमेद फॉर द कॉमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट अरे आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में आपको जो टॉपिक्स की नीडेड है वो नीचे चैट नहीं कमेंट सेक्शन में फीडबैक टॉपिक डालेंगे जो ऑनलाइन वाली जनता है बाकी तो सामने मिले हैं वो मुझे बताते रहेंगे बाय बाय अगले थर्सडे मिलेंगे फॉर कॉम्पिटिशन एट ट्वेंटी फाइव मार्क्स थैंक यू बाय बाय